ब्याज में लेके, फंडिंग लेके मैंने कुछ आईपीओ में पैसा लगवाया। दो ही दिन में मेरी 50% ऑफ माय कैपिटल वाज वाइप्ड ऑफ। मैं बोला नहीं बॉस, आई हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग। फॉर्चुनेटली वापस से जब मैं समर ट्रेनिंग करने गया तो रमेश दमानी जी, उन्होंने एक चीज मुझे बोली कि भाई तू अगर ये जो ये सब फालतू काम कर रहा ना, ये पेनी स्टॉक्स और ये ट्रेडिंग वेडिंग ये सब मत कर। टीवी पर जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम खरीद लेते हैं और उसके बाद डंप हो जाते हैं। मैं स्टॉक का नाम लेने के पहले और स्टॉक का नाम देने के बाद मैं बोलता था कि प्लीज सर कुछ जेम्स हमारे व्यूअर्स के लिए भी। सर कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे आप लोग के चैनल पे इनवाइट किया। और मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा, देखिए मैं और भी कई यूट्यूब चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे कई सालों से आ रहे हैं, बट जो सीरियसनेस आप लोग की इस शो को बनाने में, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। एंड आई मस्ट से, देखिए आप लोग कोई नागपुर से आ रहा, आप लोग की टीम में आज 8-10 जने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए आप लोग बाहर से आ रहे हैं, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द वर्क एंड आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड दो आप लोग का चैनल अभी नया है, बट मुझे आई ऑलवेज कैच थिंग्स यंग। मुझे पता है जेम्स जैसे मैं स्टॉक्स चुनता हूँ, मैं छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स इसलिए चुनता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो बड़े होकर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो वैसा ही मुझे लगता है कि आपका चैनल भी एक दिन बहुत बड़ा बनने वाला है। और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, मतलब औरंगाबाद, नागपुर, रायपुर और अलग अलग जगह से 8 जनों की टीम आ रही है, सम अमेज्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव। एंड आई थिंक हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, आप मेरी जर्नी के बारे में, मेरे स्ट्रैटेजीज के बारे में जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचे एंड दैट्स द पर्पस। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर प्लेजर इज़ ऑल आवर्स, आपने इतना समय दिया हम लोगों को। सर जर्नी की तरफ अगर हम थोड़ी बात करें तो आपके मार्केट में जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से आप इंट्रोड्यूस हुए मार्केट से और यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए मैं जहाँ तक भी पहुँचा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कोई बहुत कुछ किया नहीं है, जस्ट दैट कि आप लोग मुझे बहुत देखते हैं, हर जगह मेरा चेहरा देखते हैं तो लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। कोशिश है, अच्छा कर रहे हैं, बट एक चीज़ मैं अच्छी कर रहा हूँ कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के हित में काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काम करूँ। आई रियली वॉन्ट टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री, टू द इकोसिस्टम, टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। और टीवी पे भी आते हैं या जहाँ पे भी शोज में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, हर जगह एक ही पर्पस रहता है कि नॉलेज शेयरिंग हो करना। जितनी हम हमारी जितनी भी मेरी विजडम है, जितना भी मैंने सीखा और जितना भी मैंने तकलीफ से सीखा, वो दूसरों को वो तकलीफ नहीं झेलनी पड़े। मतलब मेरी लर्निंग, भगवान ने मुझे जितनी तकलीफ दे दी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी लर्निंग से मैं दूसरों को कम तकलीफ में वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ। सो दैट्स द रीज़न। बट यस, आपने मुझे जर्नी के बारे में पूछा तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। तो मैं क्लास 11 से, इनफैक्ट क्लास 9-10 में थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा देखना शुरू किया। कुछ मेरे अंकल कजन्स हैं, वो लोग शेयर्स की बातें करते थे, तब मैं फैसिनेट होता था। बट उस टाइम पे 10th की एग्जाम, मैं असम से पला बढ़ा और वहाँ पे 10th दिया था, तो 10th एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज जैसे 12th होती है तो 10th की एग्जाम बहुत बड़ी होती थी। तो उस टाइम पे था कि भाई आप सीरियस रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर गल्फ वॉर हुआ, उसी टाइम की बात है, मार्केट्स बहुत ऊपर नीचे होने लगे, काफ़ी न्यूज़ बनने लगी मार्केट्स को लेकर। फिर 11th में जब मैं आया, 11th के मतलब लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूँ, तो उस टाइम पे हर्षद मेहता का धूम मचा हुआ था मार्केट में, और हर तरफ मतलब दो ही चीज़ इंडिया में चलती थी, या तो क्रिकेट की बात कर लो और या फिर स्टॉक मार्केट की। अगर आपको ये दोनों की बातें नहीं आती है करना तो यू आर आउट ऑफ प्लेस। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, और उस टाइम पे मेरे कुछ सीनियर्स थे, मैं एक हॉस्टल में रहता था, तो उन लोगों के थ्रू मैं एंट्री लिया कि ठीक है मुझे रिलायंस का शेयर दिला दीजिए। तो मुझे याद है 180 रुपया, ये हॉस्टल की बात, हॉस्टल की बात है। मैं गुवाहाटी में भी हॉस्टल में था, क्योंकि मैं एक छोटा टाउन है नलबाड़ी में, वहाँ से हूँ, तो गुवाहाटी में मैं हॉस्टल में रह के 2 साल पढ़ा था। तो उस हॉस्टल में काफ़ी लोग शेयर्स का काम करते थे, और उसका अजीत सरिया छात्र निवास एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल था, जहाँ से जो पढ़ते थे वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग वहाँ से निकले हुए। मतलब कई सीनियर्स ऐसे थे जो CA, MBA, ICWA, CS, ये सारे 5-5 MCOM, LLB, ये 6-6 डिग्रियाँ लेके बैठे हुए। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला लाइफ में। तो फिर लगा कि शेयर मार्केट में उस टाइम पे जो सब लोग गलतियाँ करते वैसे मैं भी स्टॉक मार्केट में घुस गया। बट उस गलती में ये हुआ, गलती नहीं थी वो, इनफैक्ट वहाँ पे मैंने 180 में लिया और मैंने 201 रुपया 2 रुपये में बेच दिया, और बहुत जल्दी मुझे 1800-2000 रुपये की कमाई हो गई। 100 शेयर उतने के ही होते थे, तो बड़ा मज़ा आया। बट फिर मुझे somehow ऐसा लगा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब मुझे शेयर मार्केट करना नहीं है एक बार, मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे मेरा ड्रीम था कि मुझे या तो दिल्ली जाके पढ़ना है या बॉम्बे जाके पढ़ना है। तो हमारे असम में क्या काफ़ी डिस्टर्बेंस थी उस टाइम पे, अगर आपको
पता हो टेररिज्म के बारे में, वहाँ पे उस टाइम सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, सेपरेटिस्ट बोल लीजिए, टेररिज्म इतना ज्यादा था वहाँ पे, तो उस टाइम पे हम लोग को सबको वहाँ से एक टाइम हो गया था कि वहाँ से छोड़ के निकलना है, बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो पेरेंट्स लोग को बड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी कि भाई बाहर जाना है तो दिल्ली या बॉम्बे कोई जगह, तो वहाँ जाने के लिए आपको एडमिशन के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, तो फिर मैंने फोकस वापस से पढ़ाई पे पूरा किया, उस टाइम पे वापस से स्टॉक मार्केट को एक बार स्टॉप कर दिया, फिर मैं बॉम्बे गया, एडमिशन हुआ मेरा बॉम्बे में, बहुत तकलीफ से एडमिशन हुआ बट हुआ। उसके बाद मैंने मोटा मोटी आप मान लीजिए 93 में, मैं 91 आई पास आउट 10th, फिर मैं 93 में आई पास आउट 12th, और बॉम्बे गया मैं 93 में, फिर 94 के जनवरी फरवरी से मैंने स्टार्ट किया वापस से आईपीओ। और उस टाइम पे क्या मेरी मम्मी, मैं मेरी मम्मी के फाइनेंशियल विजडम के बारे में अगर बोलूँ तो मुझे इतनी फाइनेंशियली नॉलेजेबल वीमेन मैंने बहुत कम देखी है, शी मे बी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है बट पढ़ाई और लिखाई से डिग्री मिलती है, बट उनका जो कॉमन सेंस, उनका जो विजडम, उनकी जो सोच, उनका जो विजन था वो एक अलग ही तरीके का था, लाइफ एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा, और वो उन्होंने उस टाइम पे भी एसआईपियां की हुई है, बट उस टाइम पे एसआईपी होती थी एफडीज की, कोई इंद्र विकास पत्र की, कोई केवीपी की, ये सब होते थे, और इंश्योरेंस ले लिया, तो मेरे फादर भी इनफैक्ट इंश्योरेंस लेने में काफ़ी बिलीव करते थे, तो वो अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत सिंसियर थे, तो उनसे मैंने वो सिंसियरिटी और डिसिप्लिन सीखी, मदर से मेरे को ये चीज़ सीखने को मिली कि हिम्मत करना चाहिए और आगे बढ़ो और रोज कुछ सीखो, तो उनका एक चीज़ था कि आप रोज कुछ पढ़ के सो, कुछ रोज एक नई चीज़ करके सो, पर एक एक चीज़ होते होते आज जैसे आज अगर हम ऑफिस आते हैं रोज एक भी इनिशिएटिव ले लें, ऐसे सोचते कि इतने लेने हैं तो आप तो ले नहीं पाते, पर रोज अगर एक चीज़ अच्छी कर लो दिन में तो भी बहुत, आप एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट हो बहुत बड़ा होगा, तो वो भले ही नॉलेज हो, हेल्थ हो, आज अगर हेल्थ है तो हम योगा करते हैं, तो आज मैं 30 साल हो गए मुझे योगा करते करते, अगर सुबह मुझे 1 लीटर गर्म पानी पीना तो पीना है, वो रोज पीना तो पीना, वो भी 25 साल से पी रहे, तो उन सब चीज़ों का अब बेनिफिट दिखता है, हर चीज़ का कंपाउंडिंग इम्पैक्ट पता चलता है, तो वही जो मदर ने जब बोला कि आप रोज पढ़िए, रोज सीखो, तो मैंने सीखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जनरल मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, फिक्शंस में कभी नहीं पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते फिर स्टॉक मार्केट में घुसे, तो स्टॉक मार्केट में पढ़ने की जो आदत थी वो बहुत हेल्प की, और वहाँ पे फिर मैंने आईपीओज में लगाना शुरू किया, तो आईपीओ में पूरी कंपनी के बारे में सीखते पढ़ते थे, समझते थे, कुछ वहाँ पे न्यूज़पेपर्स आते थे आईपीओज के बारे में, उन सबको हम पढ़ के समझ के फिर उस आईपीओ में लगाते थे, बट पढ़ना लिखना समझना कई बार क्या होता है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ये तीनों एक साथ सिंक में नहीं चलता, आदमी या तो क्या बोलता कुछ और करता कुछ और है, सोचता कुछ और है बोलता कुछ और है, और तीनों को सिंक में जो आदमी करता है वो आदमी बहुत आगे निकलता है, तो वो चीज़ हुई नहीं मेरे साथ, तो मैंने आईपीओज में लगाया, शुरू में पैसा बना, शुरू में मतलब ऐसा हो गया था कि अलॉटमेंट ही नहीं आता था, अलॉटमेंट आता था तो लॉटरी की तरह थी, तो 94-95 तक मैंने किया, फिर वो मज़ा आना बंद हो गया, बोले अरे क्या कर रहा हूँ यार, मतलब लाते हैं 10 रुपये का अलॉटमेंट आता है 1000 रुपये का, उसमें 1300 रुपये बन रहे हैं, 200-500 रुपये बन रहे हैं, तो बोले ऐसे तो मैं पैसा वाला बन ही नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग, तो मुझे याद आज मैंने पहला शेयर जो लिया था सेकेंडरी मार्केट में वो डॉक्टर रेड्डीज़, उस टाइम पे वापस से डॉक्टर रेड्डीज़ खरीदा, बहुत अच्छे लेवल पे खरीदा, आज वहाँ से मल्टी वगैरह, बट कोई भी चीज़ अपन रखते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ट्रेडिंग नेचर में रहते हैं, वी बिकम इधर अ ट्रेडर, और वो बोलते हैं ना प्रॉफिट्स में तो आप, लॉसेस में तो आप इन्वेस्टर बन जाते हो, प्रॉफिट्स में आप ट्रेडर बन जाते हो, तो मेरे साथ भी थोड़ा बहुत आया तो अपन लेके निकल गए, फिर धीरे धीरे चस्का लगने लगा, अरे यार ये तो यहाँ ऐसे पैसा बना, फिर धीरे धीरे ज़्यादा काम करने लगे रोज, फिर उस टाइम पे खूब मैं पेनी स्टॉक्स, मतलब मेरी आदत थी कि मैं मिड कैप स्मॉल कैप आज भी जैसे देखता हूँ, बट आज क्या है मुझे अच्छे स्टॉक्स चुनने की नॉलेज मिल गई, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इतने खराब स्टॉक्स चुने हैं कि मुझे यह पता चल गया कि खराब क्या होता है और अच्छा क्या होता है, क्या नहीं करना वो मैंने पहले सीखा, तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक्स, 8 आना का शेयर, 2 रुपये का शेयर, 1 रुपये का शेयर, इस तरीके के शेयर्स में काम करने, हालांकि उनमें से बहुत शेयर्स अभी बहुत बड़े बड़े भाव पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, हालांकि देखते थे उस टाइम पे कुछ मैगजीन्स आती थी उनको पढ़ते थे, आज तो नॉलेज का भंडार है, मतलब तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इंटरनेट, अब आपका चैनल ही देख लीजिए, थोड़े दिनों बाद आपके चैनल में इतनी नॉलेज मिलने लग जाएगी लोगों को, ऐसा पहले कहाँ होता था, इतने सारे मोबाइल ऐप्स है, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल ऐप्स है स्टॉक एनालिटिक्स के, उनसे लोग सीखते, पहले कुछ ऐसा होता नहीं था, फिर मेरा MBA का टाइम आया तो फिर मैंने वापस से एक बार कर्टेल कर दिया,
मेरे साथ ये अच्छा था कि मैं कोई भी अगर लत पड़ती है तो मैं जब चाहूँ उसको छोड़ सकता था, अब ब्रेक दे सकते हो। मैंने ब्रेक दिया, फिर बोला नहीं मेरे को MBA करना है, मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है और मेरे को एक बार अच्छी MBA इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। तो फिर मैंने एक बार ट्रेडिंग तो बंद कर दी और जो इन्वेस्टेड थे वो इन्वेस्टेड रह गए पैसे, और वो मगर कचरे रह गए। अच्छा हाँ, वो जो थे, और वो मैंने ऐसा हो गया कचरे लेने के बाद मैं आगे मतलब उनको ना बेच पाऊँ और वो पड़े रह गए। IPOs 94-95 में खूब IPOs की धूम मची, 4000 IPOs, कचरे से कचरे IPO, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, वो सारे IPOs आने लगे। फिर वो IPOs में अप्लाई किया तो बहुत सारे बिना बात के अलॉटमेंट्स आ गए। और उसमें भी मैंने क्या गलती की कि मैंने ब्याज में लेके फंडिंग लेके 3% में फंडिंग लेके मैंने कुछ IPOs में पैसा लगवा दिया, मार्केट से बैठा पैसा। हाँ, वो ऐसे कुछ होते थे, मतलब कोई मतलब अंकल थे वो काम कर रहे कलकत्ता में, बोला भाई ऐसे फंडिंग के रूट से लगा सकते तो 3% ब्याज पे आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। और उस टाइम पे क्या होता था, 10 रुपए के शेयर का 2.5 रुपए लेते थे, तो पहले से आपको तो 1/4 देना, तो वो एक लिवरेजिंग और हो गई। फिर उसके बाद सारा अलॉटमेंट आ जाता है, तो आपने सपोज 2500 करके 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 25,000 रुपया लगाना पड़ा आपको, 2.5 रुपया करके 25,000 रुपया लगाना पड़ा। मगर अलॉटमेंट जब आता तो आपको 10 रुपया देना होता है। तो ऐसे करके कुछ कुछ स्टॉक्स मुझे याद है ऐसे कचरे भर गए और उनकी डीलिस्टिंग भी हो गई, वो दिखते भी नहीं है, भाव भी खत्म, और अलॉटमेंट आते ही सारा क्रैश हो जाता है। तो बहुत ऐसे पैसे लगे, आई लॉस्ट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट टाइम। फिर 96 में वापस से मैंने उंधा बदला सुंदा बदला, मुझे याद IT से मैं फंसा, मतलब एक दिन मैं जब खरीदा हुआ था तो उस दिन IT से सेलर सर्किट पे था, जिस दिन बेचा हुआ था उसके ही नेक्स्ट डे उस दिन बायर सर्किट पे था। तो दोनों साइड दो ही दिन में मेरी 50% ऑफ माय कैपिटल वाज वाइप्ड ऑफ। फिर मैंने उसको पहले FNO नहीं होता था, पहले उंधा बदला सुंदा बदला। ये क्या होता था थोड़ा इस ये टेक्निकल चीज आप तो मुझे भी याद दिए ये याद है कि इसमें मैंने खोया बहुत है दैट इज फॉर श्योर। ये एक्चुअली क्या होता है, आप बदला देते हो, ब्याज देते हो और आपका पोजीशन रोल ओवर होते हैं। ओके हां, डेली रोल ओवर। हां, रोल ओवर होता तो फ्यूचर्स की तरह, थोड़ा फ्यूचर्स की तरह ही था। खूब पैसा खोया उसमें भी, हिसाब ही नहीं समझ में आता था, और तो छोड़ो आप, मतलब ब्रोकर हिसाब देता, मतलब जो है बस ठीक है कर दो खत्म। लास्ट में ऐसा हो गया कि मेरे 96 में एकदम परेशान हो गया, एकदम बोले अरे क्या हो रहा है। फिर 97 में MBA ज्वाइन किया, 96 अगस्त तक फिर MBA ज्वाइन किया। तो 97 के फर्स्ट ईयर में मैंने MBA में बहुत समय खराब की, बहुत मेरी क्वालिटी एडुकेशन जो आ सकती थी उसमें मैंने खराब किया। फर्स्ट 6 months 7 months आई रियली डिड बैड इन MBA, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैं कोई फेल हो गया ये हो गया, बट मजा नहीं आया। मतलब जितना मुझे मेहनत MBA को पढ़ाई करने में करनी चाहिए वो नहीं की, और क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में था। तो तब तक 96-97 में ये समझ आया कि मैंने बहुत पैसा खो दिया, और लास्ट में मुझे एक कुछ पैसे पापा से मंगवाने पड़े आसाम से, क्योंकि मैंने जो सट्टा मार के जो लॉस किया उसका M2M भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये अभी तक का जितना भी पैसा, तो आपकी मदर ने जो दिया था, मदर ने फादर ने सब ने दिया, कुछ मैंने पैसे भी बनाए, मतलब पैसे बने थे IPOs में और ये सब में, और कुछ मैं कई बार जॉब करता था वो पैसा भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। जॉब भी मेरे को एक बहुत अच्छा जॉब मिला था, मैं एक मोड बोल के कंपनी थी उनको इन्वेस्टर्स गाइड जो इकोनॉमिक टाइम्स का एक इन्वेस्टमेंट पेज आता था पहले, वो अलग से बेचती भी थी इन्वेस्टर्स गाइड इकोनॉमिक टाइम्स, पहले 2 रुपए में बिकता था और उसमें कवर पेज पे आर्टिकल आता था, और उसमें जितने आप बड़े नाम देखते हो आज, मतलब रमेश दमानी जी, निर्मल जैन साहब, ये सब लोग उसमें मेरे उस लिस्ट में थे जिनको मुझे इंटरव्यू लेना है। तो मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू लेता था उनका, और वो क्वेश्चनर होता था रोज, हर बार एक सर्वे होता था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स किस में पैसा लगा रहे, FMCG में क्या, एक बड़ा आर्टिकल होता, उसमें 30 इंटरव्यू लेने होते थे, तो उसमें मुझे मिलते थे 30 रुपए एक इंटरव्यू लेने का। तो बट बड़ा मजा आता था, मुझे सीखने को मिला वो 94-95 में, जो आपने बोला ना इस जर्नी में क्या, इसका बहुत बड़ा रोल है लोगों को मिलना। मिलना नहीं, मैं टेलीफोनिक था। अच्छा। बट अब मैं बात करता तो लोग इंतजार करते थे मेरा कि अरे हर हफ्ते इसका कॉल आना है। आई यूज टू कॉल देम एवरी वीक, सो आई डिड अराउंड करीब 40-50 आर्टिकल्स में मैंने काम किए थे। तो मैंने जो पैसा उसमें भी बनाया वो भी डाल दिया इसमें, फिर कहीं से भी कोई पैसा आता था सब डाल देता था। तो स्टॉक मार्केट में डालते डालते किटी तो बन गई थी, बट लास्ट में ऐसा हो गया कि सारा पैसा जीरो, और मैं जब जयपुर आया तो सिर्फ मेरे पास 13,000 रुपये के 200 शेयर्स पड़े थे, वो थे टाइटन। और वो भी टाइटन में मेरे कजन को दे के आया, भाई ये शेयर और ट्रांसफर डीड जयपुर आके कुरियर किया, और मुझे तो ये 200 शेयर रख ले और मेरे को 13,000 रुपये दे दे, मेरे को जयपुर जाना, ये हालत थी। तो ऐसा, और वो शेयर मार्केट में पूरा लॉस करके पापा ने एक सेंटिमेंटल डायलॉग दिया कि आप ये, मैं तो आसाम में यहाँ पे बंदूक के नोक पे और इतने रिस्क में बैठ के मैं पैसा जितना भी कमा रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ कमा रहा हूँ, और तुम वहाँ पे पढ़ाई करने गए हुए ट्रेडिंग कर रहे हो, सो दैट रियली हर्ट मी। वहाँ से मैं पूरा एकदम
मतलब ये समझ लो कि दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट एक बार के लिए. मैं बोला नहीं बॉस, नथिंग डूइंग, आई हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग. एंड फॉर्चुनेटली वापस से जब मैं समर ट्रेनिंग करने गया तो रमेश धमानी जी, द बिग रमेश धमानी जी, लेजेंड. लकीली मैं जैसे टीवी पे देख के आज मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं. मतलब मैं कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, कितने लोगों की मैं मेंटोरिंग करता हूँ टेलीफोनिकली, इन पर्सन वो लोग आते हैं, व्हाट्सएप पे ही चलती रहती है कईयों की मेंटोरिंग. वैसे ही मैं रमेश जी के पास पहुँच गया. रमेश सर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया एक PSUs के ऊपर, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनका विजन तब गजब का था. और ही वॉज सच, ही इज सच अ वेल रेड पर्सन. वो इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इतने सारे न्यूज़पेपर, मतलब लंदन का भी पढ़ रहे हैं तो न्यूयॉर्क का भी पढ़ रहे हैं, दुनिया भर से न्यूज़ सब न्यूज़ मतलब. और एंड ही वाज अ रेगुलर स्पीकर ऑन वेरियस बिजनेस चैनल्स. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजनेस चैनल नहीं होते थे, बट मतलब एकदम प्रोमिनेंट स्पीकर. एंड गजब का उनसे सीखने को मिला. और उनके पास मैं 2 महीना था तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि भाई तू अगर ये जो ये सब फालतू काम कर रहा ना, ये पेनी स्टॉक्स और ये ट्रेडिंग वेडिंग ये सब मत कर. इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, साइंस भी तो इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट. और आप ये सब काम मत करो एंड लीव दिस, ट्राई टू लर्न दी ब्यूटिफुल आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं ट्रेडिंग तो बंद करता हूँ, इन्वेस्टिंग तो कब सीखूंगा पता नहीं, क्योंकि पैसे होने पड़ेंगे उसके लिए. तो एक बार के लिए मैं बोला नहीं, मैं आई फोकस ऑन माई स्टडीज. देन एक बार 98 में, मतलब 97 जुलाई अगस्त में पूरा फुल स्टॉप लगा दिया. कुछ नहीं, जो थे सबको पैकेट में डाला, मतलब भूल जाओ इसको. फिर 10 साल बाद 98 में MBA करके आया. फिर उसके 10 साल बाद 2008 में मैंने पहला IPO में एप्लीकेशन लगाया था. बट इस दौरान बहुत कुछ हुआ, इस 10 सालों के दौरान. इस 10 साल में मेरा एकदम टर्निंग पॉइंट था. मैं 98 में MBA करके आया. हाँ. और 98 में MBA करने के बाद मुझे जॉब नहीं लेना था. मैंने बोला कि मैं अपना ही कुछ वेंचर स्टार्ट करूंगा. तो मैंने स्टार्ट किया जड़ी बूटियों का धंधा, हर्ब्स का. मतलब ये नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में काफ़ी भरोसा था, तो मैंने जड़ी बूटियों का बिजनेस स्टार्ट किया. बट वो जड़ी बूटी के बिजनेस में कैपिटल इंटेंसिव था एंड एट द सेम टाइम काफ़ी मेहनत भी थी. अच्छा भी किया मैंने, 2-3 साल तक किया. बट फिर भी मेरी शादी होने की, फिर 2000 में मेरी शादी हुई. फिर उसके बाद उतना ट्रैवलिंग था कि मैं जैसे आप सपोज कभी नासिक जा रहा हूँ, कभी उदयपुर जा रहा हूँ, कभी 12 जा रहा हूँ, 12 के अंदर और कस्बा थाना समरा कई छोटे छोटे गाँव वहाँ से कलेक्ट करते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं. फिर मैं दिल्ली जाता हूँ उसको बेचने के लिए. तो ये सारा सर्कल बहुत लंबा चौड़ा था. और फिर उसी टाइम पे मतलब एक बार ऐसा हो गया कि अब कुछ रस्ते ही नहीं है. मतलब उसमें मेरे सारा माल फंस गया, जड़ी बूटी भी फंस गई, माल बिक नहीं रहा. क्योंकि 2001 में एक बार एक बहुत अजीब सा रिसेशन आया था इंडिया में, 2000-2001. मतलब वो हर तरीके से ख़राब समय था इंडिया का और हर जगह ही मतलब ऐसा. तो फिर 2002 में सडनली ऐसा हुआ कि मुझे कुछ और करना है. तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का काम भी मैंने 98-99 में पैरेलली स्टार्ट किया. तो वहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स मिले मुझे. तो मुझे आई मस्ट से कि ICICI डायरेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है. उनकी मैं टेलीकॉलिंग करता था, लीड जनरेशन का काम. तो उस लीड जनरेशन में उनको बहुत अच्छा लगा कि सर आपको तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी और आप लीड भी जनरेट कर रहे हो. तो उन्होंने और असाइनमेंट दे दिया. ऐसे करके मैंने फिर मैं बोला कि अकेला नहीं हो सकता. फिर देन फॉर्चुनेटली आई गॉट माई पार्टनर विथ मी निशांत, जो कि अपने आप में वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब फाइनेंशियल ब्रेन है. तो हम लोग बॉम्बे में फ्रेंड्स थे, तो हम लोग दोनों ने मिलकर एक स्टार्ट की कंपनी फिनलाइन बोल के. फिर उसमें हम लोगों ने सारी फ्रेंचाइजीज ली. ये ICICI डायरेक्ट और ये सारा काम करते थे, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लोन्स, ये सारे जो आज बैंक बाजार और पैसा बाजार का जो मॉडल है ऑनलाइन, वो हम लोगों ने टेलीफोनिकली किया था और फिजिकली किया. सेम मॉडल, बस सेम मॉडल वो 2001-2 में. फिर ICICI डायरेक्ट को देख कर ये समझ में आया कि ये बिजनेस स्केलेबल है, ये ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है. और उस टाइम पे इंडिया बुल्स भी एकदम धूम मचा रखी थी. फिर हम लोगों ने NCDX के अचानक से, NCDX यानी कमोडिटीज, उसकी मेंबरशिप आई. तो मैं जब MBA कर रहा था तो हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे, वो लोग बोले कि जिस दिन कमोडिटी एक्सचेंजेस इंडिया में खुले तो आप लोग कूद पड़ना इस बिजनेस में, ये इतना ज़बरदस्त बिजनेस है. तो हम लोगों ने 2003 में मैंने और निशांत ने, हम लोगों ने दोनों ने अप्लाई किया. फिर हम लोगों ने फिर जब अप्लाई किया तो हम लोगों ने एक हमारे एंजल इन्वेस्टर को ढूंढा, एंजल रिलेटिव हमारे, मतलब जो भी मेंटोर हम लोगों ने बहुत सीखा, मिस्टर महेंद्र भाई. तो उन वो भी साथ में, हम लोग तीनों ने फिर उनके फंड साथ में, हम लोग दोनों का जुनून साथ में और हमारी जो कैपेबिलिटीज जो हम लोग सीखे हुए थे, दोनों MBAs थे हम लोग में और निशान. तो हम लोगों ने एक तरीके से पूरी चीज़ को बोरोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा किया. हम लोगों ने कंप्यूटर भी बोरो किया, शुरू का कैपिटल भी बोरो किया, जगह भी बोरोड थी जिसका बोले रेंट तब देंगे जब पैसा बन जाएगा, सब कुछ बोरोड था. बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस जर्नी एंड विद इन वन ईयर
इट ट्रिगर्ड, मतलब अच्छा सेट हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने NCDX किया, तो NCDX में भी एक बार ऐसा झटका पड़ा कि हम लोग को ब्रोकिंग आती नहीं थी और रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आया था। नया शुरू हुआ और इतनी वॉलिटिलिटी, इतना पैसा लगता था क्लाइंट का, और क्लाइंट से हम पैसे ले नहीं रहे हैं आज। तो क्या है, हेड्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स, सेबी और रेगुलेटर्स एक्सचेंजेस इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सारे रिस्क मैनेजमेंट तो ऑटो हो गई है, मतलब हर चीज इतने सिस्टमैटिक हो गए हैं कि अब आजकल रिस्क बहुत कम हो गया है बिजनेस में, कंप्यूटराइज हो चुका है सब। कंप्यूटराइजेशन तो पहले उस टाइम पे भी था, बट ओवरऑल जितने सॉफ्टवेयर, जितने उन्होंने मेजर्स, और जो अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में कुछ बड़े ब्रोकर्स बहुत जबरदस्त मार्जिन रूल्स वगैरह, तो वो सारी चीजों से बहुत बड़ा मतलब अब फायदा हो रहा है। बट उस टाइम पे हम लोग को वो रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आई। ऐसा हुआ था कि 32,000 की हमने ब्रोकरेज जनरेट की और 8 लाख रुपए की हम लोगों ने बैड डेट्स खड़ी कर दी। तब के 8 लाख, हाँ 2000 अगेन वहां पे झटका, मतलब कितने बार झटका खाएंगे फिर वो मतलब ऐसा अजीब सा लगने लगा कि भाई जिंदगी में हर बार झटके ही खाते रहेंगे क्या। मतलब समय तो ऐसा हो गया था कि घर में मतलब घर चलाने के भी खर्चे नहीं थे, मतलब राशन पानी के भी खर्चे खत्म हो गए थे, मतलब कुछ पैसा बचा नहीं। बोरो कर करके भी लोगों से बोरो करने में शर्म आने लग गई, पेरेंट्स के पास जाने में शर्म आने लग जाती है आप जब एक लेवल तक आते हो। तो जब लास्ट में जब अगेन पापा के पास गया, मतलब पापा मेरा तो एकदम कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एकदम खत्म हो गए सारे फंड्स, अब आप वापस से वो करो, तो बोले कि नहीं बेटा तुम एक काम करो, तुम जयपुर छोड़ो और आसाम आ जाओ। फिर अगेन वो मेरे को ट्रिगर की, भाई ये बात तो नहीं चल सकती, मुझे आसाम में नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को वापस से, मैं यहाँ आया हूँ एंड मेरी शादी हुई है, मैं मेरी वाइफ को देखा कि भाई ये क्यों, मतलब उन्होंने राजस्थान देख के मेरे को अपनी बेटी दी है, क्योंकि वो राजस्थान कोटा के ही हैं, तो मैंने नहीं मेरे को यहीं रहना। फिर ये सारे बिजनेसेस किए धीरे धीरे करके, 2004 में 5 में फिर कमोडिटीज एकदम धूम मच गए, फिर वी बिकेम द ब्लू वाइट बॉयज ऑफ कमोडिटीज, NCDX, MCX, और ये जो नॉलेज शेयरिंग है उस टाइम पे भी हम लोगों ने 2005 में सेमिनार्स हर जगह जा जाके सेमिनार्स करना, फिर हम लोगों ने ट्रेनीज रखे, 20-25 समर ट्रेनीज थे हमारे ऑफिस में, वो पूरा सर्वे करवाना, फिर पूरी मार्केटिंग करना, फिर ऐसे करके बिजनेस को डेवलप किया। फिर 2005 में MCX ले लिया, 2006-07 में NSE ले लिया, BSE ले लिया, CDSL, और आज हमारी एक अच्छी खासी ब्रोकरेज हाउस है ट्रेड्स ब्रोकिंग जो हमारा ग्रुप है, सारी मेंबरशिप्स और सारी कंपनियां सब मिला हम लोग के करीब 40,000 क्लाइंट्स हैं और अच्छा खासा AUM हम लोग मैनेज करते हैं। वी आर वन ऑफ, आई थिंक परहैप्स वी आर वन ऑफ द टॉप 100 ब्रोकर्स इन द कंट्री। सर आपकी जो स्टोरी है वो जो अभी नए इन्वेस्टर जितने भी आए वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो IPO का फेस देखा है, उन्होंने भी वो बुल मार्केट देखा और अब जो है मार्केट यहाँ से करेक्ट कर रहा है, तो वो भी फेस वो देख रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पर काफ़ी सारे लोग ये सब देखने के बाद मार्केट से आउट हो जाते हैं, हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं, पर आप लगे रहे, इसके पीछे का क्या रीज़न था या वो मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलती रही? एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि आपको स्ट्रगलर तो होना पड़ेगा लाइफ में, कुछ भी बड़ा करने के लिए लगे रहना पड़ेगा। वो चीज़ शायद मेरे में थी और मेरे को मेरे पेरेंट्स ने या मेरे कुछ रिलेटिव्स थे उनसे भी मिला मुझे, मेरे भले वो ताऊ जी हो, मेरे चाचा जी हो, एक फैमिली बैकग्राउंड मेरा अच्छा बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड था और काफ़ी सक्सेसफुल लोगों से मैं घिरा हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं है। मेरे फादर इन लॉ, इनसे भी बहुत मतलब बहुत मोटिवेट किए, मदर है, फादर है, इवन कज़न ब्रदर है, ये लोग सब ने मोटिवेट किया। ये नहीं है कि मोटिवेशन नहीं मिला या हेल्प नहीं मिला, बट वो हेल्प के साथ साथ क्या होता है, एक समय आता है जब आपका सारे हेल्प और सारे मोटिवेशन भी काम नहीं आते हैं, आप अंदर से टूटने लगते हो। आप फिर कोई एक अचानक से आप में कोई आती है, कोई आवाज़ आती है अंदर से, और वही हुआ मेरे साथ भी कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये करना और ये नहीं करना, और कुछ तो गाइडेंस भी मिल जाती है। और तो यही हुआ कि मैं ये क्लियर हो गया कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे बिजनेस मैन बनना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, ये क्लियर था। और आज भी मेरे अलग अलग कुछ स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट्स है, तो मेरे कुछ अलग अलग बिजनेसेस भी है, 2-3 अलग अलग बिजनेसेस भी करते हैं, पार्टनरशिप्स भी हैं अलग अलग, तो वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही हुई कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बनना। आज तो क्या कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आदमी फुल टाइम तरीके से कर रहे हैं, तो आप जो बोले ना कि आजकल के जो नए इन्वेस्टर्स, रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स और जेनजी और ये जो स्पेशली कोविड के बाद जो आए हैं, बट मैं एक चीज़ और अच्छी बात कहना चाहूँगा इनके बारे में और आप लोग के बारे में, सबके बारे में, पूरे इकोसिस्टम के बारे में, भले वो जी बिजनेस हो जहाँ हम रोज आते हैं या आप लोग अभी जो काम कर रहे हो, जो हमने किया अभी सबको हम लोग सिखाए हैं, एडुकेशन पहले नहीं थी और आज, पहले एडुकेशन वॉज वेरी प्राइसी, बहुत कम होती थी, या जो बॉम्बे दिल्ली में रह रहे उनको तो मिल जाती थी, छोटे शहर में रीच ही नहीं होती थी,
या टीवी चैनल्स भी थे तो वो इंग्लिश कहते तो इंग्लिश सबको नहीं समझ आती, सिंपलीफाइड वे में नहीं थी, सिंपलीफाइड वे में नहीं थी, बैरियर्स काफी ज्यादा, बैरियर्स काफी थे। और अब आप देखिए, अब हिंदी चैनल्स है और हिंदी चैनल में भी ऐसा माहौल है, सिंपल लैंग्वेज आप एकदम रिलेट कर पाते हैं। और अब मैं तो हैट्स ऑफ टू अनिल सिंघवी जी और जी बिजनेस, और हम लोग उस पैनल के एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट, किस तरीके से हम लोग सिंपलीफाइड और मस्ती मजाक में स्टॉक मार्केट सिखा देते हैं। और कई बार इतना टेंशन होता है मार्केट में, फिर भी आप रिलैक्स फील करते हो, मार्केट को कॉम्प्लेक्स की जगह नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज कर दिया। अब तो इसलिए आजकल एडुकेशन, फिर यूट्यूब है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सारी सब कुछ है, आदमी सीख बहुत रहा है। तो पास्ट में ये चीज नहीं थी, बट मैंने जो बोला ना मेरे को बिजनेसमैन बनना था, तो मैंने बोला कि ये बेस्ट तरीका कि मैं इस एक्सपीरियंस से मेरे को ये समझ में आ गया। और बिकॉज थोड़ा सा मार्केटिंग स्किल्स भी थी कि मैं मार्केटिंग करना, सेल्स करना, थोड़ा बहुत मुझे ये समझ में आ गया था लाइफ में कि बाकी सारी चीजें मैनेज हो सकती है, बट सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स खुद को एक्वायर करनी पड़ेगी, या नेटवर्किंग की स्किल्स, क्योंकि ये अपने आप ही हो सकता है। जैसे नाना तो खुद को ही पड़ता है, सुबह बाथरूम खुद को ही जाना पड़ता है, वो कोई दूसरे डेलीगेट नहीं कर सकते उस चीज़, कितना भी बड़ा बिजनेस हो कितना करना वो पड़ेगा। खुद तो यही चीज सेम है, योगा खुद को ही करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता तुम योगा कर लो मेरा हेल्थ बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वेल्थ में ऐसा है कि डेलीगेट कर सकते, तो फिर ये समझ में आया कि भाई अपन को तो करना। और मैं मेरे कहीं ना कहीं मुझे ब्रोकिंग बिजनेस या एजेंसी मॉडल वाला, कमीशन वाले मॉडल में घुसा और वो बिजनेस खड़ा कर दिया। और मैं अभी भी बोलता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, कई लोग हर टाइप के लोग देखेंगे, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी देखेगा, छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी देखेगा, और कुछ लोग जो इस मार्केट में नहीं है वो भी देखेंगे। बट सबको ये बोलना चाहूंगा कि मार्केट में आने के पहले आपके पास एक कैपिटल होनी चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ कि 10 लाख के नीचे की कैपिटल हो तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, आईपीओज में कीजिए, प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर बनिए आप। मतलब सेकेंडरी मार्केट में आने के लिए मिनिमम 10 लाख, और वो भी मैं बोलता हूँ अगर आप अच्छा खासा कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप 10 लाख में 20% कमाए तो 2 लाख रुपए में, और आप जॉब कर रहे हो सपोज 20 लाख रुपए में, तो वहां पे आपका 20% अगर इंक्रीमेंट होता, आप अच्छा काम करते हो तो 20% होता 4 लाख रुपए। और उस समय को और उस एनर्जी को वहां नहीं डाल के आप अगर मार्केट में डालते हो, देखिए एनर्जी तो और फोकस जो है वो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि आप हर जगह कर सकते हो इक्वली, लिमिटेड ही रह सकता है। तो वो ऐसे ही है कि यहाँ पे आप अननेसेसरी समय देके आप अपना समय खराब मत करो, आप पैसा कमाइए। और इन्वेस्टिंग की एक एज होती है भाई, आप मैं बोलता हूँ कि 22-23 साल तक आप ग्रेजुएशन करते हो, एमबीए करते हो, जल्दी जल्दी सब पढ़ाई खत्म करो, फिर 25-26 साल तक आपने शादी भी कर ली, मैं तो बोलता हूँ शादी भी जल्दी कर लेनी चाहिए। कई लोग होते हो 35 साल, 30 साल, 32 साल, 29 साल में करते, क्यों जल्दी नहीं करो आप? ये देखो आज मैं अभी मेरी देखेगा, मैं 47 का हूँ, मैं ये भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। ये आप एक वीडियो देखिएगा, जेंस का वीडियो देखिएगा, कैसे उस वीडियो में मतलब विवेक बिंद्रा जी जो यूट्यूब के बहुत बड़े स्टार, उन्होंने गजब का जेनिज्म के ऊपर, जेंस के ऊपर वीडियो बनाया। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है कि आज मैं 47 हूँ, मैं जब 51-52 का हूँगा माई सन विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग 51, और 60 तक 65 तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, और वो कर रहा है। मेरे पापा टचवुड, माई फादर इज ऑल्सो अर्निंग, आई एम ऑल्सो अर्निंग, माई ब्रदर, यंगर ब्रदर, ही इज ऑल्सो अर्निंग, एंड माई सन विल ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग। तो एक टाइम पे हो सकता है मेरे फादर, अभी ही इज 73 बट स्टिल ही इज फिट, एंड वो योगा, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन और फिटनेस ने उनको, कई लोग 65 में जो 60 में बंद कर देते, 62-63 में, एट 73 ही इज वर्किंग एंड ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस इंडिविजुअली। उनके स्टाफ, हम जाते भी नहीं, हम ध्यान भी नहीं देते उनके बिजनेस में, दोनों बेटे हम जाते नहीं हैं, तो इस तरीके का वो बिजनेस खुद चला रहे हैं। अब वही मेरा बेटा जब आएगा तो अब सोचिए आप कितना बड़ा एक बड़ा वो हो सकता है कि भाई अगर वो अच्छा कोई बिजनेस करे, मैं मेरी नॉलेज को शेयर करूं और वो आईटी में है, तो मैं यही बोलता हूं कि जल्दी करें। मतलब कई लोग होते हैं मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, चीजें पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोन मत करो आप, फिर ज्यादा पोस्टपोन करते तो स्लो हो जाता है, हर चीज को एक बार जल्दी खत्म करें। जो करना पढ़ाई के टाइम पे इतनी पढ़ाई करो कि सोचो ही मत, और फिर काम के टाइम पे इतने काम करो कि सोचो ही मत, फिर एक समय आएगा लाइफ में इतना समय होगा कि आप पार्टी पार्टी करोगे, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बिना किसी टेंशन, बिना किसी टेंशन, सही समय पर सही चीज, हर चीज आती है। हर चीज कई बार बोलते ना कि जब पार्टी करने का एज था तो पैसा नहीं होता था, और अब पैसा तो पार्टी करने के लिए शरीर नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सब आपको टाइम पे करना पड़ेगा। तो ये मैं मेरी लाइफ में ये सब फॉलो करता हूँ, मतलब मैं हेल्थ, वेल्थ, विजडम, सारी चीजों को एक साथ लेके चलता हूँ। मेरे को बहुत वेल्थ की इच्छा नहीं है, मेरे को हेल्थ भी चाहिए, मुझे वेल्थ भी चाहिए, मुझे घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट सब चाहिए, लाइफ भी एंजॉय, सोशलाइज भी करना है, लाइफ को भी एंजॉय करना है,
और विजडम के लिए पढ़ाई लिखाई सेमिनार कॉन्फ्रेंस सब अटेंड करते हैं, मतलब शादी अटेंड करो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, कुछ सेमिनार देने जाओ, घूमने फिरने जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, हॉलीडेज करो, सब करना है। वो कहते हैं ना वेल्थ उतना ही चाहिए जिसको एंजॉय भी कर पाए। हाँ, सो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको वेल प्लान्ड होना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स राइट टाइम पे कीजिए, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स में तो करना ही करना चाहिए, इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए। तो अगर आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल की तरफ आए, या इन्वेस्टिंग स्टाइल से भी ज़्यादा जो स्टॉक्स आप देखते हो, जिन पर आप फोकस करते हो, जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं। मैंने टीवी पर काफ़ी बार देखा, जो आपका शो भी आता है जेम्स, आपके जेम्स काफी फेमस है। थैंक यू। तो उसमें ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप रहते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन? बहुत बड़ा लॉजिक है, देखिए मैं बताता हूँ। आप मुझे मेरे पास आते हो, जेम्स आपको स्टॉक बताइए, मैं बोल दूंगा ITC, TCS, इंफोसिस, जनरली लोग बोल देते हैं। दूसरी बार आओगे मेरे पास? नहीं, बोले रिलायंस ले लो, ये 5-7 स्टॉक ले लो, जिसको टालना हो तो उसको ये जवाब देना होता है। बट मैं मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो आजकल बहुत बड़े हो गए। इंडिया इतना बड़ा हो गया कि जो मिड कैप है वो मतलब 16,000 करोड़ के ऊपर की कंपनियां मिड कैप, मिड कैप बन गई। स्मॉल कैप 16,000 करोड़ से स्टार्ट होता है और नीचे, मतलब वो तो कहने वो पूरा कैटेगरी है। और 1770-1780 करीब कंपनियां जो 200 करोड़ के ऊपर है, 1000 करोड़ की कंपनी, 1000 कंपनी जो वो 1000 करोड़ की है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप या माइक्रो कैप, मैं तो माइक्रो कैप नैनो कैप मैं ऐसे कैटेगराइज कर रखा हूँ कि 1000 करोड़, मतलब 3000 करोड़ तक मैं स्मॉल कैप मान लेता हूँ, 3000 करोड़ से 500 करोड़ तक मैं माइक्रो कैप मानता हूँ, माइक्रो कैप के नीचे नैनो कैप मान लो। तो इन स्टॉक्स में क्या रिसर्च ज़्यादा नहीं होती है, दे आर अनसंग एंड अनरिसर्च स्टॉक्स, अंडर रिसर्च स्टॉक्स बोलते हैं इनको, डिस्कवर्ड नहीं है, उनके बारे में बातचीत नहीं होती है। तो अगर उस चीज को आप करते हो तो आप कुछ नया कर रहे हो और कुछ वेंचरिंग कर रहे हो, मतलब नया काम, जैसे होता ना कि आप एक ढाबा में जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो या एक बड़ी कॉन्टिनेंटल क्यूजीन वाली रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको वहां क्या खाना है, अब वहां जाके अगर आपने दाल मखनी और रोटी ऑर्डर कर दी क्या फायदा, तो क्या फायदा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन खाना नहीं खाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट तो, और या फिर बोलते मेरे को तो चाउमीन ला दो, चाइनीज मत, वो जो एक टिपिकल जो हम लोग रेगुलर ऑर्डर करते हैं। तो वहां जाके वहां की क्या चीज है वो वेंचर करना पड़ता है। वैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, इनमें मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोमोटर्स कैसे हैं, अगर अच्छे प्रोमोटर है, कहाँ से पढ़े हुए हैं, क्या डिग्रीज है, इनके कनेक्शंस क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, वो सब देख के फिर उनकी रेटिंग्स देखते हैं, उनके फंडामेंटल्स को देखते हैं। उसके ऊपर मुझे पता है कि आपका क्वेश्चन जरूर से आएगा, तो उसके ऊपर उस टाइम पे बात करूंगा। तो फिर उन पे अपन कोशिश करते, और हिम्मत करना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है जुलाई 27 तारीख 2020 वो जेम्स आपका जेम्स का सीरीज शुरू हुआ। आज मोटा मोटी मान लीजिए कि 2.5 साल 2.5-3 साल हो गए, 2.5-3 साल में मैंने जितने स्टॉक्स दिए हैं उसमें से 8-10 खराब भी गए, मिजरेबली बैड। कुछ ऐसा नहीं कि नहीं होती है, गलतियां होती है, अब 1-2% तो एरर के परसेंटेज होती है, बट मोस्टली 95% स्टॉक्स पहले जब दे रहा था तो टारगेट अचीव कर गए, फिर 2 साल तक भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अब ये साल में मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं चल रहे तो धीरे धीरे चल जाएंगे। तो ऐसा, तो कहने का मतलब है कि अंडर रिसर्च स्टॉक है, वहां पे हिम्मत करके हम अगर कुछ चीज बताते हैं लोगों को, नया नाम देने की आड़ में नहीं कर रहा हूं कि नया नाम देना, बट वहां पे पैसे भी खूब बनते हैं। कई स्टॉक्स ऐसे निकले हैं जो मैंने सपोज 100 रुपये में दिया, वो आज 1000 रुपये पे है, 10-10 गुना 15-15 गुना स्टॉक्स हुए हैं, और 20-25% वाले तो ढेरों हैं, 50% वाले ढेरों हैं। तो ये हिम्मत की मैंने, और इसीलिए आज जो हर आदमी जैन साहब के जैन 9:30 बजे लोग 9:28 पे अलार्म लगा के रखते हैं, जी बिजनेस ने और अनिल जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ हमारी भी मेहनत रंग लाई कि जैन साहब के जैम्स को आज वैसे ही लोग देखते हैं और उनको नॉलेज मिलती है। सबसे बढ़िया बात है कि आप जिस लॉजिक से देते हो वो हमें लॉजिक सीखने को मिली। एंड मुझे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जिनको मैं बहुत धुरंधर से, तो बोलते हैं नहीं, योर लॉजिक, योर फ्लो, एंड जो आप जिस तरीके से बता रहे हो वो बहुत अच्छा है। कई लोग तो छेड़ते हैं, जैसे हमारे अजय बग्गा जी, उन्होंने मुझे एक दिन टीवी पे छेड़ा, आपको याद है या नहीं, बोले जैन साहब तो ऐसे हैं कि प्रोमोटर के पास कितने कुत्ते और कितनी गाड़ियां वो भी देख लेते हैं। तो मतलब हम वहां तक जाने की कोशिश करते हैं, डेप्थ आप मतलब मैं उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देख लेता हूं, प्रोमोटर्स के लिंक्डइन पे भी देख लेते हैं, फेसबुक पे भी देख लेते हैं, ट्विटर पे भी देख लेते हैं, सब जगह देख के अपन वो करते हैं। तो स्मॉल कैप में बहुत मजा आता है रिसर्च, और वहां जब रिसर्च देते हैं तो एक लगता है कि हाँ कुछ किया।
बस इसमें मुझे लगता है कि वो सेफ्टी वॉल खुद के आगे जो ढूंढने की एक ज़रूरत होती है कि अपने सेफ्टी वॉल से आगे निकले और कुछ नया ढूंढने की जो एक ही होती है वो एक आप में है। हाँ वो तो देखिए वो कैसे आता है, वो आपको हिम्मत करनी पड़ती है और जब आपको धीरे धीरे नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, फिर आपके स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, फिर आपको लगा ये मेरा लॉजिक काम आ गया, मेरे स्क्रीनर्स लगे हुए हैं, मेरे स्कैनर्स लगे हुए हैं, मैं ट्रेनिंग्स को बिठा रखा हूँ, मैं खुद इधर उधर जाता हूँ, मैं मतलब कंपनीज विजिट नहीं करता बट मैं चैनल चेक खूब करता हूँ। कोई एम्प्लॉय फ्लाइट में मिल जाता है कोई कंपनी का तो मैं ऐसे डिस्कशन करने तो कैसी है कंपनी, मैं ये मेरे को इनसाइडर इन्फो नहीं चाहिए बट मेरे को ये चाहिए कि काम कैसा कर रही है, कॉन्फिडेंस लुक एंड फील पता चलता है, एम्प्लॉय की क्वालिटी से पता चलता है, ड्यू डिलीजेंस मतलब इसको चैनल चेक बोलते हैं। कई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लेते हैं, डीलर से बात कर लेते हैं, भाई आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सामान बिक रहा है कि नहीं, हाँ कोई बिक रहा, आपके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग कैसे हेल्प करते हैं आपको। तो सर कहीं ना कहीं छोटी कंपनियों में जब तक ग्राउंड पे आपको कन्विक्शन नहीं आएगा क्योंकि डेटा में इश्यूज हो सकते हैं, छोटी कंपनियों में डेटा अवेलेबल नहीं होता, तो मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, यू कैन ब्यूटीफाई एवरीथिंग, ग्लोरीफाई हर चीज को आप इंजीनियर कर सकते हो, टेक्निकल चार्ट्स पे भी इंजीनियरिंग बोलते हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के डेटा को आप पूरा कर सकते हो, हर चीज आपको दिखाने के लिए अच्छी चीजें दिखाई जा सकती है, बट वो चैनल चेक लुक एंड फील वेबसाइट, कहीं ना कहीं आदमी वो बोलते हैं ना एक तो वो सुराग छोड़ के जाता ही है जिससे आप पहुंच सकते हो वहां तक, तो वैसा कुछ ना कुछ मिल जाता है। और वो कहां मिलता है, जब हम लोग 20-25 स्क्रीनर्स स्कैनर्स लगा रखे हैं, मैं अलग अलग पैरामीटर्स पे देखता हूं, अगर एक भी पैरामीटर पे वो मेरे अगर डाउट होता मैं वो स्टॉक नहीं लेता, भले ही मैं गलत हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, फर्क क्या पड़ता है, 8,000 कंपनीज है उसमें 3,000-4,000 कंपनीज की ट्रेडिंग हो रही है और उसमें से 712,000-1,100 कंपनीज है जो इन्वेस्टेबल है, मतलब जिसमें आप थोड़ा लगा सकते हो, उसमें भी हम 700-800 कंपनीज की पूरी स्क्रीनिंग करते रहते हैं, पूरी देखते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, फिर उसमें से हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करते हैं, एनुअल रिजल्ट्स चेक करते हैं, नया डेवलपमेंट चेक करते हैं, न्यूज चेक करते हैं, तो बस उससे निकलते रहते हैं। है प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, मेहनत होती है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है, एंड आई रियली लव टू डिसेमिनेट दिस, हम सबको बताते हैं, मेरे वीडियोस है, मैंने सेमिनार्स में सब जगह दे रहा हूँ और आप लोग को भी मैं अच्छे से शेयर करूंगा, आप लोग को यूज कीजिए उसको। सर ये हमने डिस्कस किया कि स्मॉल कैप मिड कैप में क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं रिस्क या नेगेटिव पॉइंट्स भी कुछ होते हैं स्मॉल कैप इंडस्ट्री में। देखिए क्या होता है, लोगों का ये परसेप्शन हो गया है कि मिड कैप स्मॉल कैप रिस्की है, ऐसा नहीं है बॉस। मिड कैप कई कंपनियां हैं, अगर मैं बोलूं कि एक प्लाईवुड कंपनी है वो पूरे इंडिया में हर जगह काम चल रहा है उसका, और वो मिड कैप है और स्मॉल कैप है, मिड कैप भी नहीं स्मॉल कैप, बट वो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड कंपनी है, पूरे इंडिया को वो कैटर करती है, तो उसको क्या मिड कैप बोलोगे स्मॉल कैप बोलोगे, जस्ट बिकॉज कई लोग क्या होते हैं बोरो करके भी आपकी कैपिटल को बड़ा बना सकते हैं, कई लोग है कि नहीं हम हमारे हिसाब से करेंगे, हमको इंटरनल एक्रूवल से और धीरे धीरे ग्रो करना है, बट जैसे जैसे मार्केट और इकोनॉमी और इंडिया ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से, वो कंपनी पूरे इंडिया में फैली हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के उसका माल जा रहा है, यूज हो रहा है, और वो कंपनी को आप स्मॉल कैप बोलते हो तो बोलिए। मैं ऐसी मतलब कम से कम 50 कंपनी गिना सकता हूँ जो इंडिया की उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कंपनी है। इंडिया में चूंकि कंजम्पशन लेवल्स अभी लो है, आप वही हांगकांग चले जाए और सिंगापुर चले, छोटी छोटी कंट्री है, जयपुर जितना शहर है सिंगापुर पूरा कंट्री, बट वहां पे कंजम्पशन का लेवल्स खतरनाक है, मैं हर्ब्स की बात कर रहा हूँ, जड़ी बूटियों की, मतलब पूरा इंडिया कोई चीज जितना कंज्यूम नहीं करता है, सिलियम हस जैसे सब गोल है वो वहां पे गजब का कंजम्पशन है, होता है इंडिया में मगर खाते वहां पे लोग, और गजब का मतलब सिंगापुर हांगकांग छोटी छोटी सिटी जैसी कंट्रीज है वहां पे कंजम्पशन है, तो इंडिया बिकॉज कंजम्पशन लेवल्स आर लो दैट्स व्हाई कैप इज स्मॉल, बट उनका बिजनेस का साइज, उनका बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सोच और जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कोई भी हालत में छोटे नहीं है, उनको आप कंपेयर करो बाहर के, अगर कोई बड़ी चाइना की सबसे बड़ी प्लाईवुड कंपनी कितने साइज की है, एस्बेस्टस की कंपनी है 250 करोड़ 300 करोड़, बट वो पूरे इंडिया में फैली हुई है, मार्केट शेयर लेकर मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है, तो जस्ट दैट कि आप ये मान लो 1,000 करोड़ की मैं बोल रहा हूँ कि 1,000 कंपनी ऑफ इंडिया इन मतलब लिस्टेड स्पेस वो 1,000 करोड़ की है, मतलब कितना अभी भी छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि, बट ठीक है लार्ज कैप स्मॉल कैप, मैं देखिए लार्ज कैप सर्टेनली सेफर होता है और बट उसमें भी कई लार्ज कैप्स ऐसे हैं जिसको मेरे को बहुत डर लगता है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक लार्ज कैप का 320 की पी मल्टीपल है,
और मैं कई स्टॉक्स ढूंढता हूँ जो 5-7 के पी मल्टीपल पे बिना डेट्स के, जीरो डेट कंपनी, 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 25% की ग्रोथ रेट, और वो कंपनी भी है हमारे पास, और पुरानी कंपनी है, ये भी नहीं कि कोई नई कंपनी है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हो, और वो शहर में दिखते कि हाँ वो सेठ जी हैं, शहर के बड़े आदमी हैं। कई बार क्या होता है कि वो बुक्स में नहीं दिखता, मगर आपका औधा और ऑरा वो एक अलग होता आदमी का, वो दिखता हमें। ये सब बातें क्या होता है कि मैं चूंकि सोशली भी एक्टिव हूँ, मार्केट में भी एक्टिव हूँ, घूमता फिरता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें बहुत समझ में आती है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ह्यूमन साइकोलॉजी के समझना, ये सारी चीज़ें इन सिंक लानी पड़ती है, तब जाके कई बार एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, तब जाके एक स्टॉक पर हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सर, कहीं ना कहीं आपकी फिलॉसफी ये है कि मार्केट कैप से जज मत करो, उसके बिजनेस पे और अपॉर्चुनिटी पे जज करो। यस, आई एम कैप एग्नोस्टिक, मेरे को मार्केट कैप, मेरे को सेक्टर, ये सब समझ में नहीं आता। ज्यादा सेक्टर की ज्यादा बात होने लग जाती है ना, तो मैं उस सेक्टर के सारे स्टॉक को अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। मतलब भाई ये हाइप हो गया, ओवर हाइप्ड है, उसकी पी मल्टीपल में दिखने लग जाता है। अभी ईवी है, अब भाई सपोज टाटा मोटर्स की बात करें, ईवी ईवी करते करते टाटा मोटर्स जो मेरे हिसाब से 2.25 लाख करोड़ के डेट्स हैं, लॉसेस में कंपनी रहती है, यूरोप में प्रॉब्लम है, फिर भी हर आदमी टाटा मोटर्स की बात करता है, व्हाई नॉट मारुति? भाई ईवी तो वो भी बनाएगी, कौन सा मारुति को नहीं आता काम करना, ईवी बनाना नहीं आता है, कौन सा कोई उन्होंने बहुत कुछ रॉकेट साइंस ढूंढ के लिया है, जिस दिन बिकने लगेगी बना कर देंगे, उन्होंने लॉन्च किया। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जो फंडामेंटल्स है तो फंडामेंटल्स है, वो देखना पड़ेगा। कई आदमी डेट्स लेके अपने अब बिजनेस करते हैं, कई आदमी बिना डेट्स के करते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत देखता हूँ। एक आपने बात करते करते बात की थी कि अभी जो है स्मॉल कैप मिड कैप उतने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये एक साइकिल भी होती है। 2018 के बाद हमने स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को नीचे जाते हुए देखा था, फिर 2020 में वापस से हमने उनमें रैली देखी थी, तो ये साइकिल किस तरह की होती है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, मैंने मार्केट में देखा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2000 मतलब मैं इक्विटी की जो अभी जो रिसर्च करने लगा हूँ वो मैं 2011-12 से कर रहा हूँ। मतलब अगेन थैंक्स टू अनिल जी, एक जब पुराने चैनल में थे वो, मैं भी वहाँ रेगुलरली आता था सीएनबीसी आवाज़ में, तब जैकपॉट शेयर्स बोल के सीरीज शुरू हुई थी, और उसके पहले मैंने रिसर्च धीरे धीरे स्टार्ट किया, और मैंने वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन भी जीता था, चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो बेस्ट मतलब बड़े जो वहाँ पे एनालिस्ट आते हैं उन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन था, वहाँ पे मैंने जीता भी। तो रिसर्च तब और एक्टिवली करने लगा जब लगा कि नहीं, लोग इतना अपने ऊपर भरोसा करे, इतना देख रहे हैं, और तो और हाँ मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगी, तो मैं बोला नहीं, इस पर और काम किया जाए। और मैंने उस टाइम पे ऐसे ऐसे स्टॉक्स बताए, मुझे याद है पीआई इंडस्ट्रीज 2 डिजिट में बताया हुआ, एसआरएफ नॉर्मल 100-150 रुपये में बताया हुआ स्टॉक, कई स्टॉक जो मतलब अब एकदम मल्टीपल, मुझे याद है अपोलो हॉस्पिटल, मतलब स्टॉक को देने में डर लग रहा था क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, अननोन स्टॉक होती है उसमें लिक्विडिटी कम होती है, तो लोग बोलते हैं कि सर आप इलिक्विड स्टॉक देते हो, भाई इलिक्विड इसके लिए नहीं है कि वो खराब है स्टॉक, डिस्कवर नहीं हुआ, डिस्कवर नहीं है। फिर हमने इतने कई स्टॉक, अब सोचो वो एफएनओ में आ गया, इपका लैब आज वो एफएनओ में आ गया, मैंने जब दिया था 2011 में नवंबर की बात है, 230-235 रुपए में दिया था, उसके बाद तो कितने इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हो गए, तो वो वैसे ढूंढने पड़ते, और वो रोज आप करते हो तो आपको करते करते पता चलता है, और सबसे बड़ा है कि प्रोमोटर्स और फंडामेंटल्स ये सबके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, हम तो पूरा देखते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये था, मैं अगेन इधर उधर हो जाता हूँ, क्योंकि समय आपने दिया आज पूरी अंदर की, मैं भी निकालता हूँ कि चलो बोल धरते आज तो नहीं, पर इससे हमें सीखने को भी काफी कुछ मिलता है, बट ठीक है। एनीवेज आई डोंट नो लोगों को कितना मजा आएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार मैंने देखा 1.5-2 घंटे का वीडियो होता तो लोगों को बोरिंग लगने लग जाता है, कितना ज्ञान दे रहा है ये आदमी। सर ये वीडियो मुझे नहीं लगता बोरिंग, बट आई डोंट नो बट जो भी है। तो 2018 में क्या हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग गया, तो फरवरी 1 तारीख को ही लगा था 2018, उसके बाद मार्केट टूटे। 2018 में तो ऐसा हो गया था कि एकदम क्या कर रहे हैं यार, ये मार्केट तो बोर कर रहा है एकदम। 2019 सितंबर की 20 तारीख, अब वो बताइए सितंबर की 20 तारीख में क्यों बोल रहा हूँ, 2019 सितंबर की 20 तारीख बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री के लिए, और इंडियन मार्केट्स के लिए। कैसे? उस दिन एक कैंडल बनी थी निर्मला सीतारमन कैंडल, उसको निर्मला कैंडल बोलते हैं, जो टैक्सेशन कॉर्पोरेट टैक्सेस को स्लैश किया, और वो मार्केट मुझे याद है उस दिन एकदम नीचे से ऐसा यू टर्न लिया, 10,300-10,400 जाके उसी दिन, मतलब 10,800 से पहले तो 200 पॉइंट टूटा, 10:35 पे ये न्यूज आई
सवा नौ बजे मार्केट खुलता तो पहले तो टूटते गया और वो न्यूज आते ही ऐसा चला कि मार्केट उसके बाद रुका ही नहीं। फिर कब रुका मार्केट? जब आपका कोरोना आया, ठीक है, फरवरी की एक तारीख से मोटा मोटी बजट आया, फिर उसके बाद बजट में भी कुछ आया और टूट गया मार्केट। फिर फरवरी की 16 तारीख को एक बार समझ में आ गया कि कोरोना फैलने वाला, ये 2020 की बात कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम पे खूब स्टॉक्स टूटे। फिर मार्च 22-23 तारीख फिर सर्किट लग गया, ऐसे करके मार्च की 13-14 तारीख को भी लगा था, फिर मार्च के उस लॉकडाउन वाले दिन लगा। बट एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, स्टॉक्स ऐसे टूटे जैसे लोगों को लगता है कि दुनिया ही बंद होने वाली है, जैसे लॉकडाउन लगने के बाद खुलेगा ही नहीं दुनिया, जब कोरोना खत्म ही कर देगा। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी ऐसा सोचा अरे ये क्या हो गया, ऐसा लगने लगा कि ये तो सब कुछ खत्म हो गया, कैसे होगा, दुनिया कैसे चलेगी, ऐसा देखा ही नहीं था कभी, ऐसे कभी देखा ही नहीं। बट मैं एक चीज़ में बहुत विश्वास करता हूँ, जो टाइम लाइन्स होती है ना, फिर धीरे धीरे 3 दिन में फिर 12 दिन होते हैं, तीये की बैठक बोलते हैं ना, 12 दिन होता है, 12वीं होती है, फिर 1.25 महीना होता है, धीरे धीरे फिर 3 महीने होते हैं। आप देखना जुलाई अगस्त में जाके मार्केट ऐसा मजबूत हो गया, फिर हमने उस टाइम पे स्ट्रेटेजी लगाई कि स्टॉक्स वो चुने जिनका मार्केट बंद नहीं हुआ। स्टॉक ब्रोकर का मार्केट बंद नहीं हुआ था, FMCG का मार्केट बंद नहीं हुआ था, IT का बंद नहीं हुआ था, वो तो और चलने लग गया, दवाइयों का बंद नहीं हुआ था, हॉस्पिटल की दुकान बंद नहीं हुई थी, वो पीक पर थी, पीक पे थी, डिस्पोजेबल्स की दुकान बंद नहीं, अगर आप मेडिकल ये सब की कंज्यूमेबल्स की, तो फिर धीरे धीरे फैक्ट्रियां खुलने लग गई, तो ये धीरे धीरे एक एक सेक्टर को ऐसे चुनने लग गए। तो हर क्राइसिस में और बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, मेरा एक प्रेजेंटेशन देखेंगे आप, आफ्टर एवरी क्राइसिस मार्केट भयंकर चलता है, और ये ऐसा ही हुआ। आप विक्स अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखे, 85 तक चला गया था इंडिया में, आज जो 13-14-15 चल रहा है, और जो मोदी जी की सरकार जब आने वाली थी 2014 में, तब ये 32 गया था, तो लगता था क्या हो गया 32, और मतलब ये बूम था, मतलब 85 पे विक्स पहुंचना, 83-84 पे जिन्होंने ऑप्शंस लिखे, ऑप्शन राइटिंग की, उन्होंने गजब के पैसे कमाए। तो ये स्मॉल कैप मिड कैप उस टाइम पे टूटे, फिर अगस्त जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स, और मेरे कोरोना हुआ था उस टाइम पे अगस्त की 5 तारीख को 2020, आपको भी कोरोना, यस, उस समय जब अकेले बैठते आप 15 दिन, लिटरली आप एक जेल में हो, एक रूम में बैठे हो, बहुत समय मिली सोचने का, समझने का, करने का, और मैं जेम्स देना बंद नहीं किया था, मैं जब कंटिन्यूसली दे रहा था, लोगों को बताया नहीं मैंने, 20 तारीख के बाद बताया कि मेरे कोरोना हुआ था, बट मैं उस टाइम पे 3-3 शोज 4-4 शोज भी दिन के कर रहे थे। इंडिपेंडेंस डे था उस दिन, मेरा बर्थडे था, तो उस दिन स्पेशल शो भी किया, मस्ती की पाठशाला भी किया, जैन साहब के जेम्स भी किया, दोपहर का शो भी किया, तब लोगों को पता चला कि भैया कहाँ से एनर्जी आ रही है। एनर्जी कहाँ से आती है? प्यार से आती है, जब आप कोई पैशन से काम करते हो तो उससे आती है, और प्लस जब लोग आप लोगों का जो प्यार मिलता है, गजब की, मतलब मैं खुद सोचा बाद में, और उसके बाद में बहुत बीमार भी पड़ा वापस से दिसंबर में, बट देन इट वेंट ऑन। तो उस टाइम पे हमने मिड कैप स्मॉल कैप बहुत सारे निकले, और गजब के, मतलब आप सोचो किर्लोस्कर जैसा ग्रुप, उनकी कंपनियां 5-6 कंपनियां, किर्लोस्कर कौन है, जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने वाले हैं, उनकी कंपनियां 1,000 करोड़ पे, उनके जनरेटर्स कहाँ नहीं लगे हुए हैं, हर जगह पर, हर जगह 1,000-1,200 करोड़ की मार्केट कैप पे। बोले मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ था, मैंने बोला इतनी कम मार्केट कैप, ये क्या है? फिर ऐसे हर कंपनी ही सस्ती मिलने लग गई, बोले तो इससे ज्यादा गोल्डन टाइम हो ही नहीं सकता है डिस्काउंट। और मैं तो अगेन बोलता हूँ कि अनिल जी की एक चीज बहुत जबरदस्त लगी मुझे शुरू में भी और अब में भी, हम लोग दोनों ने कम से कम 13-14 साल साथ में निकाले हैं, टाइमिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, मतलब क्या राइट टाइम पे वो स्टॉक्स का प्रोग्राम बनाया, SPL मिड कैप जून की 21 तारीख से और जुलाई 27 तारीख से जैन साहब के जेब्स, और उस दौरान जो हम लोगों ने आइडियाज लाए और मिड कैप स्मॉल कैप चलने भी लगे, और जनरली जो आपका क्वेश्चन का एक वर्ड में अगर आंसर दो तो 2.5 साल जनरली मैंने देखा एक रहता है 2 से 2.5 साल, तो वही 2018 से लेकर 2.5 साल बाद मोटा मोटी 2020 में चालू हो गया, अब वापस से इस साल नहीं चल रहा, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि मार्केट्स को लग रहा है कि कोई टैक्स आ जाए बजट में, यू नेवर नो। फिर मार्केट्स को लार्ज कैप्स निफ्टी क्यों चल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई कंपोनेंट चल जाता है लार्ज कैप में, जैसे बैंक चल जाता है, फिर आपके कभी आईटी चल जाएगा, कभी रिलायंस ही चल जाएगा, कभी ऑटो चल जाएगा, तो इसकी वजह से देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स इज अंडर परफॉर्मिंग, बट आई फील दैट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना, मतलब इट्स अ बूम की वापस से बढ़ावा नहीं है, आंख मीच के पैसा अच्छे स्टॉक्स में, आंख मीच के मतलब अच्छे स्टॉक्स में डालना, आंख मीच के नहीं डालना, रहनी चाहिए आंख खुली, मगर पैसा सारा वहां डालना,
और अच्छे स्टॉक्स में डालना, और हम आइडियाज देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मेरे सोशल मीडिया हैंडल से, हर जगह हम आइडियाज दे ही रहे हैं, और यही पर्पज रहता है कि लोगों को एटलीस्ट अच्छे नाम में इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि कोई इधर उधर, कोई इधर उधर की कोई टिप आ जाए, कोई SMS आ जाए, कोई इधर उधर की चीजें आ जाए, उसमें आदमी पैसा लगाए। कम से कम उनका नजर अच्छे स्टॉक्स, नजर अच्छे स्टॉक्स पे रहे, और यही हमारा पर्पज था, और वो मुझे लग रहा है कि मैं बखूबी कर रहा हूँ। तो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा खूब बनेगा, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है वो एट पीक है, मतलब और बढ़ेगी, ब्रेकआउट हो चुका गवर्नेंस का, मतलब इंडिया में हर आदमी अब पॉजिटिवली सोचने लगा है। हर आदमी ये सोचता है कि नहीं मुझे टैक्स भरना है, हर आदमी सोचता है कि नहीं मुझे मेरे अकाउंट्स एकदम अच्छे से रखने हैं, बड़ा गेम खेलने का, बड़ा गेम खेलने की, यार लोगों को डर भी हो गया, इंस्टीट्यूशंस का डर, कंप्लायंस का डर हो गया, सब कुछ हो गया, उस वजह से काफी ज्यादा फायदा हुआ, हाँ। तो कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, लोग टैक्स कंप्लायंस करने लगे। आप देखिए GST का कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ऐसे कलेक्शंस मतलब देखने को नहीं मिले मुझे, तो लग रहा है और बढ़ेगा ये। GST तो हर महीने ग्रो हो रहा है, GST तो मैं बोलता हूँ स्लो ही, अभी भी और बढ़ना चाहिए था, और बढ़ेगा, बट ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जो लोग टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स, मतलब ये जो पैरेलल इकोनॉमी का जो पैसा, जो पहले ब्लैक इकोनॉमी बोलो या पैरेलल, अगर हम पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड बोले तो पैरेलल बोल देते हैं, या नॉन व्हाइट, ठीक है, तो यहाँ पे अब सारा पैसा आ रहा है, और ये तो और बढ़ेगा, ये तो मतलब बढ़ते ही जाएगा, आप रुकेगा ही नहीं है। सर इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हो तो वो दिखेगा ही दिखेगा ही। और फॉर्मलाइजेशन क्या हुआ कि जो इनफॉर्मल मार्केट्स है वहां से फॉर्मल मार्केट्स में, अगर फॉर्मल मार्केट्स में ज्यादा लिस्टेड कंपनीज होती है तो इसलिए लिस्टेड को फायदा होगा। तो मैंने ये चीज मैं 1.5 साल से बोल रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ, तो हमें तो कई क्या होता है कि भले निफ्टी चले, इंडेक्स नहीं चले या स्मॉल कैप नहीं चले, बट आप अगर अच्छे स्टॉक्स चुनोगे आपके रिटर्न्स बनेंगे। इस साल नहीं बने, जनरली 2-2.5 साल में ऐसा बनता है कि वो कैगर बैठ जाता है, और आपको ये पता है 26% की ग्रोथ अगर लानी है ना, वो लार्ज कैप में नहीं आएगी, ये मिड कैप स्मॉल कैप में आ जाएगी, और 26% से अगर आपका कैपिटल ग्रो करता है तो 10 साल में पैसा 10 गुना होगा, 10 गुना हो जाएगा, और 20 साल में पैसा 100 गुना हो जाता है, और 30 साल में पैसा 1000 गुना हो जाता है। तो सीधा कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में होगा। मे बी आई एम टू बायस टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप, बट दैट इज हाउ आई थिंक। ठीक है, लार्ज कैप का अपना रोल है, एज होती है, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप वाली एज में हो तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाओ ना। मेरे बेटे का सारा पैसा मैं स्मॉल कैप में लगवाता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, बोले तुम सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ, मैं होगा तो मैं मिड कैप में लगाऊंगा, मेरी मम्मी के पैसे तो मैं REITs और इनविट्स में लगाता हूँ, अपनी कंफर्ट के हिसाब से। सबका अपना अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल है, ये नहीं कि हम जॉइंट फैमिली है तो अपन कर रहे हैं, मेरा ब्रदर है तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तुम्हारी एज मेरे से 7 साल कम है तो तुम तुम्हारे हिसाब से इन्वेस्ट करो। बताता मैं हूँ, मैनेज भी मैं ही करूंगा, बताऊंगा मैं कई चीजें, बट वो अपने हिसाब से करते हैं, सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो सर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में अगर और एक हम पॉइंट को डिस्कस करें तो स्मॉल कैप्स में हमने देखा है कि जब करेक्शन होता है तो काफी डीप करेक्शन भी चला जाता है कि 60-80% तक भी, तो क्या इसके रिस्क मैनेजमेंट में क्या कुछ ऐसा लेवल रखना चाहिए जब कटआउट करें पोजीशन को? इसमें मैं एक चीज बताऊंगा कि 20-80 का रेशियो इसमें भी चलता है, लो पैरेटो बोलते हैं ना जिसको। लोग क्या करते हैं, रिसर्च को, टिप्स को, स्टॉक के नाम को बहुत अहमियत देते हैं, बट एक्चुअल में अहमियत देनी चाहिए फंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को। फंड मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन, फंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने बोरोड फंड से अगर इन्वेस्ट कर दिया ना तो आप गए, आज नहीं तो लिवरेजिंग किया तो आपके पैसे लगने ही है। अगर आपने आपके पास पैसे 2 रुपए 100 रुपए और 100 रुपए का स्टॉक लिया तब तो ठीक है, 100 रुपए का स्टॉक और आपने 150 का भी ले लिया ना स्टॉक लिवरेजिंग लेके, तो मार्केट टूटेगा तो आपके तो पैसे डेढ़े लगने हैं। कैपिटल वाइप ऑफ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ज्यादा लिवरेजिंग लिए तो। कहने का मतलब है कि लिवरेजिंग मतलब बोरोड नॉलेज और बोरोड फंड्स से पैसा नहीं बनता, दोनों से ही दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं, दूर बोरो करो ना, नॉलेज तो बोरो करो बट वो सीखो खुद, लॉजिक को क्लियर करो। मैंने अगर मैंने किर्लोस्कर ऑयल इंजन दिया है या मैंने महिंद्रा लाइफ स्पेसेस दिया या मैंने कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप आइडिया दी, सब पैनामा पेट्रो दिया, क्यों दिया, वो लॉजिक तो समझो, लॉजिक सुनो और उसको खुद भी चेक करो उसको। तो ये हम लोग सिखाते कि भाई इस तरीके से आप करें, तो रिस्क कुछ भी नहीं है। रिस्क तब आती है जब लिवरेजिंग लेते हो।
अच्छा स्टॉक है, अच्छा काम कर रही है कंपनी, हाँ अगर कंपनी का इंडस्ट्री में कोई ऐसा आ जाए कि जैसे एक टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या पेजर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री चेंज हो गई, इंडस्ट्री मतलब उसका डायनेमिक से चेंज हो गए, तब फर्क पड़ता है। कैमरा जैसे आप देख लो, मतलब अब दूसरे टाइप के कैमरा कोडैक के साथ जो अब वो तो ये बहुत सारे इंडस्ट्री है जो ऑब्सोलीट हो जाती है और अडैप्ट नहीं कर पाती है, अडैप्ट नहीं कर पाती है, अपने चेंजेस नहीं ला पाती है, पिवटिंग नहीं करती है, तो वो सारी चीजें होती है। सो आई फील कि फंड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, और अगर स्टॉक अच्छा है, कन्विक्शन है और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा दे रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और अगर नंबर्स इंडस्ट्री अच्छा कर रही है और वो अच्छा नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम है कंपनी के मैनेजमेंट में, या वो या तो अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ कर रही है या प्रमोटर्स काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, और इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही और वो अच्छा कर रहा है, आउटस्मार्ट कर रहा है, दैट इज अगेन अ बिग प्लस पॉइंट। मार्केट चल रहा है और इंडस्ट्री नहीं चल रही है, समझ में आता है, और इसलिए स्टॉक नहीं चल रहा समझ में आता है। तो आपको ये कुछ पैरामीटर जैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना, अपन जैसे अपना मेरा बेटा सपोज उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मैं क्या पूछता हूँ उसको, बेटा बाकी जो टॉपर था उसके कितने आए, पासिंग परसेंटेज कितना था पूरे अपने स्टेट में, भाई अगर भाई जो मैक्रोज है अगर वहां हम देख ले, तो फिर अपन धीरे हर चीज में कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, लॉजिक डिराइव करनी पड़ती है, रिलेटिवली देखना पड़ता है, रिलेटिविटी देखनी पड़ती है। तो ये चीज मैं देखते हैं, और मुझे लगता है कि रिस्क कुछ भी नहीं है, आप अपना कमाया हुआ पैसा, खुद का कमाया हुआ पैसा किसी से मांगे नहीं और डाले और हिसाब से डाले और लॉन्ग टर्म के लिए डाले, विदाउट लेवरेजिंग, विदाउट लेवरेजिंग ऐसा इम्पॉसिबल है, पैसा नहीं बनेगा, एंड क्वालिटी कंपनी, एंड यू हैव टू कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स आल्सो, ऐसा नहीं कि क्वार्टरली रिजल्ट तो एक बार देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल, जैसे एनुअल रिजल्ट देखते हैं अपने बच्चे पढ़ते तो मंथली टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टर तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर खराब आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक टूटा हुआ है, तो घबराना नहीं है, फिर तो और समझोगे तो बहुत बढ़िया हो गया। लोग बोलते हैं एवरेजिंग करना नहीं चाहिए, एवरेजिंग कब करना है, जब मार्केट भी सुस्त है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और कंसिस्टेंटली चल रही है और स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा, तो इसका मतलब उसका पी मल्टीपल घटते जा रहा है, तो आप उस टाइम पे उस स्टॉक को ले लो। तो ये सारी चीजें रिलेटिवली देखना पड़ता है, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है, रिजल्ट्स को देखिए कोई भी, और उसमें तब होता है ये सब सारी चीजें जब आपके स्टॉक्स का नंबर्स भी कम हो, ये नहीं कि 200 स्टॉक लेके बैठ गए। आप जनरली हम लोग बोलते हैं कि 25 स्टॉक है तो आप मतलब एक स्टॉक में 3-4% लगाइए और 25 स्टॉक से ज्यादा का पोर्टफोलियो नहीं है। अगर आपने 25 लाख लगाए तो 1-1 लाख के 25 स्टॉक ले लो, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी में आपको ओवरवेट होना तो 8-10% ले लो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, बाकी देखो जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर है जिनका कन्विक्शन लेवल हाई है, जिनका नॉलेज लेवल बहुत हाई है, कनेक्शन हाई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हर चीज एवरेज इंसान और एवरेज इन्वेस्टर और हमारे जैसे सिंपल लोगों की बात कर, कॉमन लोगों की बात, कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम थोड़ा सा इक्विटी से हट के बात करें तो आज जो हमें जैन साहब दिखते हैं वो शायद कमोडिटी से बने हुए जैन साहब है, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, और कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे इंडिया में, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं देखिए, कमोडिटीज़ में एक चीज़ माननी पड़ेगी कि वर्ल्ड ओवर इक्विटी मार्केट से बड़ा है कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट से बड़ा है करेंसी मार्केट, बट इंडिया में रिवर्स हो रखा है, ठीक है, कमोडिटीज इक्विटी से छोटा है बट धीरे धीरे बढ़ेगा। ये कुछ क्या हुआ कि जो ये एक्सचेंजेस है, मतलब एक एग्री एक्सचेंज है और एक नॉन एग्री एक्सचेंज है, नॉन एग्री में भी क्या कि जो कमोडिटीज इंटरनेशनल कमोडिटीज है उसके रेफरेंस से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और जो एग्री कमोडिटीज है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो जो पॉलिटिकल रिस्क आ रही है, जहाँ पे भी उस स्टॉक के प्राइस बढ़ जाते हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी के, तो कमोडिटी बैन हो रही है या कुछ इश्यूज आ रहे थे, एक्सपोर्ट रुक रहे हैं, हाँ, तो वो धीरे धीरे ऐसे स्टॉक मार्केट को भी बहुत समय लगा, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट आज जो हम देख रहे हो एक दिन में हो गया, इवॉल्व होने में टाइम लगता होगा और ये भी बहुत बड़ा बनेगा। बट मेरी यही है कि कमोडिटीज में जो इंडिया की कमोडिटीज है जैसे शुगर, वीट, राई, ये कमोडिटीज उतनी बड़ी नहीं बन पा रही है एक्सचेंजेस पे जो बनना चाहिए, बट चूंकि ये पॉलिटिकल कमोडिटीज भी होती है, मतलब थोड़ा सा काफी चीजें कनेक्टेड है तो इन पे ज्यादा भाव बढ़ जाता है तो एक्सचेंज पे ब्लेम आ जाता है, तो वो थोड़ा सा, बट शुरू में ये बहुत सारी कमोडिटीज थी, खूब ग्रोथ हुई, अनब्रिडल्ड ग्रोथ बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड थी एक बार, एमसीएक्स में बहुत बढ़िया अभी ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो रही है, तो धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक कमोडिटीज हमने जो शुरू किया, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कुछ बेहतर किया काम, कि मैं कमोडिटीज में फोकस करते करते धीरे धीरे मैं मार्केट की तरफ आ गया, नहीं तो फिर जेम्स आपके जेम्स कैसे मिलते हैं।
तो सर अगर कोई इंटरेस्टेड है कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर जाने के लिए तो उसको आप क्या कहोगे कि मार्केट से कितना ट्रेडिंग? देखिए मैं ऐसा बोलूंगा कि कमोडिटीज के में आप क्या रोल में आ रहे हो, एज अ हेजर और एज अ मतलब स्पेक्युलेटर या एज एन आर्बिट्राजर, मतलब तीन चार रोल्स होते हैं। भाई आर्बिट्राज होते हैं कि कैश मार्केट में, हाजिर मार्केट में कोई चीज 600 की है और फ्यूचर्स में चल रही है वो 610 की, तो आपको ब्याज मिल रहा है तो ब्याज खा लिया, तो ये कैश एंड कैरी आर्बिट्राज बोलते हैं। कई बार होता है हाजिर में महंगा है, यहाँ सस्ता है तो वहां बेच के यहाँ ले लें। हमने हमारे क्लाइंट था स्टील का क्लाइंट, हमने 2004-05 में हमने उनको बहुत बड़ा पैसा कमाई करवा के दिया, रिवर्स आर्बिट्राज करवा के, सर आपका हाजिर का जो माल है उसको बेच दो, आप तो यहाँ खड़ा कर लो, यहाँ पे उनको खूब सस्ता हो गया। तो एक आर्बिट्राज होता है, फिर एक हेजिंग होती है जिस पर्पज के लिए एक्सचेंजेस बने हैं। जैसे आप कॉपर वायर के मैन्युफैक्चरर हो तो आपका कॉपर रॉ मटेरियल है, तो हमारे यहाँ कई लोग हैं जो प्योर हेजिंग करते हैं, मतलब वो एल्यूमिनियम उनको रॉ मटेरियल हो तो वो हेजिंग करते हैं, वो करेंसी को भी हेज करते हैं अगर वो एक्सपोर्टर है। तो उनकी बैलेंस शीट में ऊपर नीचे नहीं होती है ज्यादा चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस नहीं आते। तो वो ये कमोडिटीज का एक्चुअल रोल ये है, ये धीरे धीरे ये इवॉल्व हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स आजकल काम कर रही है, इवन क्रूड ऑयल की हेजिंग हो रही है, तो बेस मेटल्स की हेजिंग हो रही है, तो हेजिंग हो रही है, हेजिंग हो गई। अब स्पेकुलेशन है, ठीक है, स्पेकुलेटर्स का भी एक अपना रोल होता है, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका मैंने जैसे स्प्रेड ट्रेडिंग होती है, कई लोग हार्वेस्टिंग सीजन और सोइंग सीजन ये सब मैच करके करते हैं। और प्योर इन्वेस्टिंग अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर में तो प्योर इन्वेस्टिंग हो सकती है, बाकी कमोडिटीज में जब फ्यूचर्स है तो आपका ब्याज लगता है। तो इसीलिए कुछ म्यूचुअल फंड्स भी आए हैं, ETFs भी आ रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट करके रख दीजिए। तो कमोडिटीज होगा, बहुत बड़ा होगा। देखिए ये समय, मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ कि MCX के शेयर भी लेके रख लेना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। MCX एज अ स्टॉक, हम लोगों ने इसको 230-235 रुपए पे रेकमेंड किया था 2013 में, 1 अगस्त को NACL का जब स्कैम आया था तो MCX अनाप शनाप टूट गया था। वहां हम लोगों ने बोला कि भाई MCX का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, हम तो खुद मेंबर है, सारी चीजें स्मूथली चल रही है, तो क्यों इसको लोग बेच रहे हैं क्यों? और तब हम लोगों ने लोगों को खूब दिलवाया MCX और वहां से 1600 रुपए वाला अगेन एक मल्टीबैग। हाँ मल्टीबैग, और ये तो और होगा यहाँ से, तो बहुत सस्ता है। मतलब आप NSE अनलिस्टेड है, NSE के मुकाबले दूसरा जो एक्सचेंज हो गया आप कमोडिटी एक्सचेंज ये BSE है, तो ये सब बहुत सस्ते पड़े हैं क्योंकि अभी मार्केट ही इवॉल्व हो रहा है, तो इसमें और ग्रोथ बाकी है। बिल्कुल और आएगा, मतलब आई एम वेरी बुलिश ऑन कमोडिटी ब्रोकिंग, मतलब कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स आल्सो एंड कमोडिटी इंडस्ट्री आल्सो, क्योंकि देखिए आज एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सब चीजों का एक रोल होना चाहिए। और पोस्ट कोरोना तो समझ में आ गया कि गोल्ड भी होना चाहिए, FD भी होनी चाहिए, सब मात्राएं में हो। ठीक है, हम तो स्टॉक मार्केट के, हम तो पूरे दिन स्टॉक मार्केट में, तो हम तो हर चीज कैपिटल मार्केट से बात करते हैं, बट हर कंपोनेंट का रोल होता है। हर चीज 100 माइनस योर एज इज योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, 100 साल माइनस आप अगर 50 के हो तो 50% तो इक्विटी में होना ही चाहिए, तो वैसा मतलब चलता है। तो कमोडिटी मतलब आई एम वेरी बुलिश मतलब कमोडिटीज के ऊपर। सर जो मेरा एक सवाल था वो आपने शायद ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि वेल्थ का टोटल पार्ट में कितना पार्ट इक्विटी में डालना सेफ रहता है या सही रहता है? वो तो देखिए एक थंब रूल है 100 माइनस योर एज, बाकी डिपेंड करता है आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, भाई आपका रेंटल इनकम कैसा आ रहा है आपके, आप मतलब मेरी तो इच्छा रहती है कि मैं तो सारा ही कैपिटल मार्केट के थ्रू ही करूँ। मतलब इवन अगर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना ना तो मैं बोलूँगा कि REIT ले लो, आपको भाड़े की इनकम क्रिएट करनी है तो REIT ले लो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो इन्विट्स आते हैं वो ले लो आप, टोल रोड्स और ये सब घुसे वो ले लीजिए आप, गोल्ड ले लीजिए आप, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ETFs ले लीजिए, निफ्टी की ETF एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, इंडियन इकोनॉमी को लेना है तो निफ्टी ETF खरीद लो, इट्स द बिगेस्ट नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट। आप निफ्टी ETF खरीद लीजिए, हर महीना उसमें SIP कीजिए, देखिए आप भले 13-14% आएंगे मगर कहीं कोई टेंशन नहीं है, उसको आप डाल के छोड़ सकते हो, डाल को छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें ऑटो मैनेज हो रहा है। हाँ। क्योंकि एक्सचेंज ने ऐसा प्रोसेस बना रखा है कि खराब कंपनी निकल जाती है, अच्छी कंपनी आती रहती है। सेक्टर्स का अपन वेटेज देखे तो जो सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं वो अपने आप ऑटो मैनेजमेंट है, ऑटो PMS हो रहा है वहाँ पे, तो ETF अपने आप में एक तरीके से कैश मार्केट का हेल्गो हो गया वो, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि भाई ऑटोमेटिक हो रहा है एक तरह से बना बनाया फंड बना बनाया, तो आराम से। और ETFs इंडिया में पॉपुलर नहीं है, अब्रॉड में तो खाली ETF में इन्वेस्टमेंट, हाँ मैक्सिमम म्यूचुअल फंड की जगह पे ETF, एंड इट इज सो डिफिकल्ट टू बीट एन इंडेक्स ETF, 80% ऑफ द फंड मैनेजर्स कैन नॉट बीट इंडेक्स ETF। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे भी होगा जैसे जैसे ETF डेवलप होते जाएंगे। अभी तो काफी कम है पर आने वाले दिन हम लोग खूब प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग तो खूब
निफ्टी ETF दिलाते हैं। हमारे कई क्लाइंट्स हो वो शेयर मार्केट में FNO में पैसा कमाते हैं और निफ्टी ETF में पार्क करते हैं। वो प्रॉपर्टी वगैरह, तो क्या होता है प्रॉपर्टीज की एक अलग अहमियत है। अब देखिए वेरी फ्रेंकली आज ओपन फोरम में बोलने में तो डर लगता है, बट प्रॉपर्टी में कच्चा पक्के का थोड़ा सा कंपोनेंट होता है तो, बट इक्विटी में तो सब कुछ पक्के में लगाना पड़ता है। तो मैं जो मेरी बात कंप्लीट कर रहा था, मतलब आप अगर कैपिटल मार्केट में आज आप देखो, आप म्यूचुअल फंड्स हो गए, कमोडिटी के म्यूचुअल फंड्स हो गए तो कमोडिटी में लगा दिया, रियल एस्टेट का REIT हो गया, वो भी म्यूचुअल फंड ही है रियल एस्टेट का, इन्विट, हर चीज कैपिटल मार्केट में। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स अदर देन कैपिटल मार्केट्स, हर चीज आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगी, हर चीज पेपर पे आपको दिख रहा आपका बैलेंस शीट पूरा। तो ये काम हम करवाना चाहते हैं लोगों को कि मैं अपने आप को जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर बोलता हूँ, मैं हर आदमी को ये समझाना चाहता हूँ। इंडिया में जितनी कोशिश हो, हर चैनल के माध्यम से, पर्सनली जाके, सेमिनार के थ्रू, में मेरा मोबाइल नंबर में ओपनली डिसमिनेट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मेरा आप मेरी कंपनी के वेबसाइट पर देखेंगे, मैं हर जगह बोलता हूँ कि प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी। एंड इतने लोग समझदार होते, वो जानते हैं कि सर बिजी होंगे 3:30 तक, तो 3:30 तक फ़ोन नहीं करते, 4 बजे बात करते हैं, और वो व्हाट्सएप करेंगे पहले, ड्यू परमिशन लेते हैं, और व्हाट्सएप पे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। मुझे याद है आज मैंने एक ट्वीट की थी सियाचिन ग्लेशियर की, -50 डिग्रीज में कैसे वहाँ पे आर्मी रहती है। एक दिन मेरे को याद है, मैं यहीं पे मेरे टेरेस पे खड़ा था, और जनरली घूमते घुमाते ऑफिस से टेरेस पे ऐसे बात करने निकलते हैं, तो एक आर्मी मैन का फ़ोन आया। वो बोलते सर मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। तो मैंने बोला आप कहाँ से बोल रहे हो सर? बोला मैं सियाचिन से बोल रहा हूँ। बोला सियाचिन से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो वहाँ तो ऐसी ठंड, ये वो, तो मैंने उनको डिस्करेज किया। एंड ही वॉज अ सीनियर ऑफिशियल, बट ही रियली अप्रिशिएटेड मी अलॉट। मैंने बोला कुछ नहीं सर, आप SIP कीजिए और मस्त रहिए सर। बाकी तो सरकार पूरा आप लोग का ध्यान रख रही है कि भाई इंश्योरेंस ये वो सब तो मिल जाएगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस सब मिल जाएगा, पेंशन भी मिलेगी। एक चीज़ नहीं करती है सरकार, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट भी आपके PPF और वगैरह हो रहा है, बट आप जरूर से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो मैंने उनको, और कोई भी आर्मी मैन आता है मैं चलाकर, मतलब मैं उनको काउंसिल करता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई ये कीजिए वो कीजिए, और सबको समझाते हैं पहले। और जो जिनके पास सरकारी एम्प्लॉई नहीं है या इंश्योरेंस नहीं है, सबसे पहले बोलते टर्म प्लान, मेडिक्लेम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान, ये 3 तो ले लिए, फिर SIP 4। ये 4 होने के बाद पैसे बचे ना तो आप बात करना आ गया, फिर मार्केट की बात करेंगे। सर जेम्स, आपके जेम्स जो निकल करके आते हैं, खरे निकल करके आते हैं, वो किन पैरामीटर्स से गुजर करके निकल के आते हैं? देखिए मैंने बोलते बोलते बहुत कुछ चीज़ें बोल दी, मतलब मैंने चैनल चेक्स की बात की, मैंने प्रमोटर्स की बात की, मैं मतलब जैन साहब के जेम्स को देखिए, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो जैसे जवाई चुनते हैं ना, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि उस लेवल तक की रिसर्च करके लाऊँ, जवाई की तरह चुन के लाऊँ। जब तक 100% कन्विक्शन नहीं हो, या गलतियाँ तो होती है, ऐसा नहीं कि मैं कोई भगवान हूँ और मेरे से गलती नहीं हुई है, बहुत हुई है, मतलब पर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बस अपनी तरफ से पूरे लगे रहते हैं। तो मैं कोशिश तो पहले ये करता हूँ कि जवाई जैसे चुनते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है कि प्रमोटर्स का पेडिग्री, बैकग्राउंड, एडुकेशन बैकग्राउंड, ये देखना जरूरी होता है। फिर उसका जैसे देखते हैं ना, घर बार देखते हैं, ऑफिस देखते हैं, तो वैसे उसका फंडामेंटल्स देखते हैं। फिर उसकी रेपुटेशन देखते हैं मार्केट, इंडस्ट्री में, मार्केट में कैसे हैं। फिर हम उनका फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट तो पूरा देखेंगे, तो वो तो देखिए इट इज विदाउट क्वेश्चन कि आप बैलेंस शीट, वो डेटा तो देखना, हाँ मतलब बैलेंस शीट और डेटा तो देखना ही देखना, वो तो बेसिक पैरामीटर है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम टेक्निकल्स भी देखते हैं, फंडामेंटल्स देखा, और जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है उसमें भी हम ये देखते हैं कि भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 15 से ऊपर है या नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, डिविडेंड देती है क्या कंपनी, डेट्स तो नहीं है कंपनी में, अगर डेट्स है तो एक 0.30 एक मेरा एक क्राइटेरिया उसके नीचे होना चाहिए। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि कंपनी में जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कैसी है, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रही है घट रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं। फिर मैं अगेन ये देखता हूँ कि प्रॉफिट की कैगर कैसी है, 3 साल की प्रॉफिट की कैगर कम से कम 15% होना चाहिए, सेल्स की कैगर 10-15% होनी चाहिए। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स, कि भाई जो आज अगर दिसंबर में हम बैठे हैं तो दिसंबर क्वार्टर की अगर रिजल्ट की बात करें, या जनवरी में बैठे दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले दिसंबर के मुकाबले इस दिसंबर में कैसा रहा, या सितंबर जो लास्ट सितंबर गया उससे दिसंबर में कैसा है, जनरली ये क्वार्टर कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना, एनुअल रिजल्ट्स को ट्रैक करना,
वैल्यूएशंस देखना, रिटर्न ऑन रिटर्न रेशियोज देखना, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज देखना है बहुत लंबा, बट ये सब कुछ देखनी पड़ती है और ये सब चीज़ कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। आजकल ऐसे एनालिटिक्स ऐप्स आते हैं जो सब आपको एक तरीके से प्रेजेंट करके देते हैं। फिर उसकी रेटिंग्स देखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग है, जैसे आप लोन लेने जाते हो तो आपका स्कोर देखते हैं ना, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, वैसे हम कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देखते हैं, वेदर इट इज इम्प्रूविंग और इट इज डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग, खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है उसका रेटिंग, वो देखते हैं। अगर अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी देखते हैं कि भाई ट्रिपल बी प्लस होना चाहिए एटलीस्ट, ए हो जाए तो सोने पे सुहाग है, बट ट्रिपल बी और ट्रिपल बी के नीचे वाले को एक बार अपन अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये सब पीयर कंपैरिजन करते हैं कि भाई अगर सपोज मैंने क्रिसिल और इकरा है, दोनों ही एमएनसी है, दोनों ही अच्छी कंपनियां और केयर भी है, ठीक है, तो क्रिसिल बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे थी और इकरा कम वैल्यूएशन पे थी, तो मैंने इकरा को जेन साहब के जेम्स में डाला। क्रिसिल मेरा लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे रहता है, अब मैं क्रिसिल दे रहा हूँ क्योंकि क्रिसिल अब वापस से नीचे आ गया ऊपर जाके, और इकरा जो था बहुत नीचे था वो ऊपर चला गया। तो रिलेटिव वैल्यूएशन भी देखते रहना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हर चीज लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म की तरह सोचे, शॉर्ट टर्म में भी पैसा तो बनवा के देना पड़ेगा ना। जो व्यूअर्स है जो रोज देख रहे हैं चैनल, कुछ तो उनको शॉर्ट टर्म में भी पैसा वो अपनी नॉलेज और अपने गेन्स स्ट्रेटेजी से बनवा के देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोलना बहुत ईजी होता है, लॉन्ग टर्म झेलना बहुत टफ होता है। बट यस, कई बार आपका नहीं बैठ रहा तो स्टॉक वैसे लेना चाहिए कि कोई बार नहीं भी बैठे कोई बात नहीं, लेट हो रहा है, बट वो जितना लेट होता है लोहा उतना जितना तपता है उतना फिर वो स्टॉक फटेगा। ये भी हम देखते हैं। तो फंडामेंटल्स देखा, फिर टेक्निकल्स देखते हैं। टाइमिंग जो करते हैं वो टेक्निकली करते हैं, फंडामेंटल से श्योरिटी हो जाती है और फिर टाइमिंग जो है वो टेक्निकल। फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक एंड टेक्निकली टाइम्ड, मतलब टेक्निकली हम उसमें एंट्री और एग्जिट लेते हैं, मतलब एंट्री तो पक्की टेक्निकली हो, एग्जिट भले ही मत लो। एग्जिट तो कई बार हम ये बोलते हैं कि ये जो स्टॉक्स है ना ये बस लेके छोड़ दो। अगर आप कंटिन्यूअसली, मैंने अभी एक रिसर्च की मेरे जेन साहब के जेम स्टॉक पे कि हर स्टॉक पे अगर 10,000 रुपया लगाते जाए तो आपका रिटर्न 30% का आता है, और बेचो मत, बेचना एक भी स्टॉक नहीं है। आप अगर महीने के 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और आपको 2,00,000 रुपए की SIP करनी है तो आप सब में 10,000 रुपए लगा दो एंड यू नेवर सेल, बस इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना मार्केट में तब पैसा खोता आदमी, ज्यादा होशियारी, वो डेढ़ होशियारी बोलते हैं उसको, वो ज्यादा खोता पैसा। कहीं ना कहीं उसमें होता क्या है कि लॉस तो लेके बैठे रहते हैं और प्रॉफिट जल्दी बुक, प्रॉफिट जल्दी बुक, एकदम आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है, कमिंग अप टू दैट, कि प्रॉफिट तो जल्दी बुक हो जाता है और लॉस वाला आप झेलते रहते हो। सर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो अगर किसी कंपनी में दिख जाए तो फिर चाहे कुछ भी अच्छा हो बिल्कुल अवॉइड कर दो। बिल्कुल, अगेन देखिए क्रेडिट रेटिंग में मैं देखता हूँ अगर इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग एक मैसेज आता है, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा कंपनी नहीं लेना, इसका मतलब वो कुछ नंबर्स के साथ घालमेल कर रहा है। फिर अगर प्लेजिंग हो पक्का नहीं लेना, डेट्स बहुत ज्यादा डेट्स हो। अब जैसे आज एक कंपनी के बारे में चैनल पे शो कर रहा था, पूछे कि भाई ये कंपनी कैसी लगती है, मुझे लगा कि भाई इतने डेट्स, इतना खतरनाक डेट इक्विटी रेशियो, भले कितनी अच्छी हो कंपनी मेरे को तो नहीं लेना। क्योंकि उसको रीपे करने में हालत खराब हो जाएगी और डाउन इकोनॉमी में सफर कर जाएगी। हाँ, डाउन इकोनॉमी में सफर कर जाएगी। तो और सी PDC बोलते हैं हम लोग, प्लेजिंग हो गया, डी हो गया डेट्स हो गया, और डी का मतलब डिविडेंड भी वो देती भी होनी चाहिए कंपनी। कई बार ठीक है जीरो डिविडेंड, कई बार नहीं दे रही है कोई बात नहीं है, बट डिविडेंड एटलीस्ट देती भी होनी, थोड़ा थोड़ा देती रहे। देती रहनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो सी है, सी का मतलब हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पता चलता है, कई बार आप RPT करते हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हो, या कई बार आप का पता चल जाता है कि ये गड़बड़ हो रही है मार्केट से, या कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, सेल्स बढ़ रही है साथ में डेटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो समझ लो कि वो सेल्स, आप तो सीए हैं शायद, सीए हैं आप लोगों में से कोई, चलो एनी वेज कोई कॉमर्स ग्रेजुएट तो होंगे आप लोग, अच्छा वो भी नहीं है, क्या बात है, चलो कोई नहीं, बट मतलब बैलेंस शीट देखते हैं कि भाई आपके अगर एवरेज डेटर डेज बढ़ रहे हैं क्या, आपके सेल्स बढ़ रही है तो डेटर्स बढ़ रहे थे, इसका मतलब समझ में आ जाता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दूध का दूध पानी का पानी करता है। कैश फ्लो एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी है, वो बोलते हैं ना वैल्यूएशन इज सेल्स, रेवेन्यू इज सैनिटी, प्रॉफिटेबिलिटी इज एक्चुअलिटी, और वो एक, और एक चीज कोई वैनिटी, मेरे अभी याद नहीं आ रहा जो भी है, तो वैनिटी है रियलिटी एंड वो सैनिटी ऐसा कुछ है। तो वीडियो देखेंगे तो कई लोग कमेंट्स में अपडेट कर देंगे, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा था, बढ़िया, नर्वस हो गया हूँ अभी जो भी है। तो इट इज मुझे ये लगता है कि
ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं पीडीसी में जरूर सर। रेड फ्लैग आपने बोला बहुत सारे हैं, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स। बट कई बार ऐसा होता है प्लेजिंग ऐसा नहीं कि वो खराब ही होता है। अब जैसे टाटा मोटर्स को टेक ओवर करने के लिए टाटा ने प्लेजिंग की, पर वो डिपेंड करता है कौन कर रहा है, उसकी पेडिग्री कैसी है। हाँ, पेडिग्री फिर भी नहीं करे तो ही अच्छा है। हाँ, नहीं करे तो ही अच्छा है, तो क्योंकि आप प्लेजिंग करके कोई कंपनी को ले रहे हो तो यार ये तो फिर थोड़ा ज्यादा डेस्परेशन हो गया कि दुनिया में क्या वो लास्ट कंपनी थी क्या। वो कब होता है जब आप कोई मतलब नंबर्स या ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच के सब्जेक्टिवली सोच रहे हो या दिल से सोचते हो, इमोशंस में, इमोशंस में आके कर रहे हो काम। दिमाग और दिल, ये दिल से उन्होंने टेक ओवर किया था। टाटा मोटर्स ने जैगुआर को और उसको दिल से टेक ओवर किया। टिस्को ने, टिस्को मतलब टाटा स्टील ने, वो जो वहां की कंपनी थी लंदन की, लंदन कोरस था, उसको उसको दिल से टेक ओवर किया, बाद में बेच के ही निकलना पड़ा। तो कहने का मतलब कि बिना बात का लिवरेज बाय आउट और ये सब कोई करता तो उसमें भी डर लगता है। एक्विजिशंस कोई कर रहा है, पैसा लेके बाजार में से लेके खरीदने जा रहे हैं, वो भी नहीं समझ में आता। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। सो प्रमोटर का बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। सर, इस पॉडकास्ट को काफी सारे यंगस्टर्स सुनते हैं और जनरली हम मार्केट को ट्रेडर के नज़र से ही देखते हैं कि ट्रेडिंग करनी है, पर इसमें काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मार्केट में देखने को मिलती है। देखिए क्या होता है मार्केट्स में, अभी आजकल मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं और खूब पूछते हैं कि हमें ट्रेडर बनना है, हमें इन्वेस्टर बनना है। सबको डायरेक्टली ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना, और आजकल तो ऑप्शन में ऑप्शन का बायर बनना है हर आदमी। मतलब आज मैं देखता हूँ यूट्यूब पे और कई जगह देखता हूँ वीडियोज़, ऑप्शन का अगर आप नाम दे दो इतने व्यूज आते हैं, और वही अगर फंडामेंटल्स का नाम दो तो बहुत व्यूज नहीं आते, कोई नहीं देखेगा, बहुत कम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं देखते तो है ऐसा नहीं है, देखने वाले हैं, रिलेटिवली कम है। ऑप्शंस में और वो टेक्निकल्स में और टिप्स में लोगों का ज्यादा वो इंटरेस्ट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल्स टेक्निकल्स सीख के कई लोग रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं, CFA करें, CA है, CFA है, CA करके आप बहुत मजबूत बनते हो। देखिए CA इज अ डिग्री जिसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। CFA अगेन फंडामेंटल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, मतलब डिग्री है CFA। फिर उसके बाद आप CMT कर सकते हो, टेक्निकल एनालिस्ट बनना बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट, तो CMT कीजिए। फिर आप MBA इन फाइनेंस भी करते हो तो भी ठीक है, बट फिर भी CFA इज मोर रेलिवेंट। फिर आपको बाद में मैं देखता हूँ कि कई मतलब एग्जाम से जैसे आप बहुत छोटे से अगर स्टार्ट करो, एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में डीलर्स होते हैं, उनकी भी सर्टिफिकेशंस होती है। फिर उसके बाद डीलर्स के बाद आप देखते हो कि सेल्स में होते हैं, भाई आज सेल्स बहुत स्किलफुल जॉब है, ऐसा नहीं है कि सेल्स को लोग डोर टू डोर से रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है। सेल्स का मतलब है काउंसलिंग करना। आज हमारे ऑफिस में हम लोग टिपिकल सेल्स नहीं करते, हम आता है कोई भी क्लाइंट हमारे से बनना चाहता है तो हम उसकी पहले पूरी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। हम लोग एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्वेश्चनर बना रखे हैं, उस क्वेश्चनर को भरवाते हैं, तो सेल्स में हम वो सिखाते हैं। तो वैसा सेल्स या काउंसलर या मतलब आप कंसल्टेंट बोल लीजिए आजकल, वो इट इज मोर ऑफ अ कंसल्टेंसी और अ सॉल्यूशन रादर देन टिपिकल सेल्स। और जो पहले होता था कोई क्लाइंट आया खाली ब्रोकरेज जनरेट करवाने का काम, वो ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा होगा अभी भी बट हम ऐसा नहीं करते और हम चाहते कि ऐसा नहीं हो, ठीक है। और इनफैक्ट अब तो रेगुलेटर्स ने ऐसे चीजें कर दी कि अब आजकल ये सब कम होते हैं, होते ही नहीं है। हैट्स ऑफ टू आर रेगुलेटर्स, मतलब इस बात में तो मानना पड़ेगा कि आर कंट्री हैज गॉट द बेस्ट ऑफ रेगुलेटर्स, मतलब सेबी हो या दूसरे रेगुलेटर्स हो, सब भले इंश्योरेंस का रेगुलेटर, बैंक्स का रेगुलेटर, सब। अब मैं हमारी लाइफ को देखता हूँ तो एज अ ब्रोकर बहुत ईजी हो गई है, पहले ब्रोकिंग बहुत टफ था। हालांकि ठीक है अभी टफ हो रहा है तो धीरे धीरे लोगों को तकलीफ हो रही है, बट वो धीरे धीरे उसके चीजों का बेनिफिट सब पता चल रहा है। तो आप ब्रोकर बन सकते हो, अपने आप में ब्रोकर, एक सब ब्रोकर बन सकते हो। भाई आपको ब्रोकिंग में क्या होता है, कंप्लायंस का पूरा डिपार्टमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, सब ब्रोकर बन जाए, रेमेशियर बन जाए आप, फिर अकाउंट ओपनिंग एसोसिएट बन सकते हैं कि भाई ठीक है मैं खाली मतलब ऑथोराइज पर्सन बोलते हैं उसको, सब ब्रोकर को आजकल ऑथोराइज पर्सन बोलते हैं। तो ये हो गए बिजनेस साइड में। आप इंश्योरेंस और ये पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब आप CFP कर लें, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बोलते हैं, आप पूरे 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग करके दीजिए कि कोई एक वेल्दी पर्सन आता है या वेल्दी नहीं भी हो, एक नॉर्मल पर्सन आता है, 500 रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक आदमी इन्वेस्ट कर सकता है या इन्वेस्ट करवाता है, कितने भी करोड़ तक, मतलब हर आदमी इन्वेस्ट करता है।
तो आप 500 रुपए हर आदमी की इनकम लेवल्स देख के आपको उसको राइट प्रोडक्ट बताना, राइट सोल्यूशन देना, वो इम्पोर्टेंट है। तो SIP के लिए आपको म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड की आप सेल्स का एक कोर्स कर सकते हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, ये भी मार्केट से रिलेटेड है ना, कैपिटल मार्केट। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है आजकल, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट, पूरा 2 पेपर्स होते हैं, उसको क्लियर करें और थोड़ा पढ़े, फिर पूरा 360 डिग्री प्लानिंग करके दें। रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, फिर AIFs बनती है, आप अगर आपको और ज़्यादा आप ग्रो करना है तो जैसे हम लोग एस्पायर करते हैं कि हम AIF बने कभी, कई लोग PMS करते हैं, PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाते हैं, फिर उसके बाद वो AIF पे आते हैं, उसके बाद आपको बोर तो नहीं हो रहा, मैंने बहुत ज़्यादा सारे डिग्रीज के बारे में एक साथ बता दिया, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को भी पता चले कितनी सारी अपॉर्चुनिटी। राइट तो AIF है, AIF के बाद म्यूचुअल फंड बनाते हैं, मतलब मैंने अभी देखा, अब वो सरप्राइज, मैंने अभी न्यूज में पढ़ रहा था, काफी लोग जो PMS स्कीम्स चला रहे हैं वो लोग आज म्यूचुअल फंड खुद का ला रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हो आप, मतलब तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जर्नी राइट होनी चाहिए, पढ़ाई राइटली करनी चाहिए, हर चीज को सीख के करे, सूझबूझ के साथ करे, कोई भी चीज यहाँ पे एक्सीडेंट से नहीं होती है, ठीक है, एक्सीडेंट से कोई बार आप पैसा कमा लेते हो तो फिर उसको संभालना सीखना पड़ेगा। तो ये सारे डिग्रीज है, कोर्सेज है, NISM के कोर्सेज है जो सेबी की प्रमोटेड इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, फिर NISM सर्टिफिकेशन ले, उसमें कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हैं आप, रिसर्च एनालिस्ट है, तो बहुत सारे बैक ऑफिस के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कंप्लायंस इज अगेन अ वेरी बिग दिस थिंग, लोग आजकल आउटसोर्स करने लग गए, कई CAs जो खाली ब्रोकिंग की कंप्लायंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लायंस एक बड़ा पार्ट है, जिस तरह से रेगुलेटर्स हमारे आप रिस्क मैनेजमेंट, हमारे यहाँ रिस्क मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। तो IT इवन आजकल ब्रोकिंग, आजकल वो पुराना ब्रोकिंग नहीं रहा, इट इज IT, अब ये सब टेक एनेबलमेंट इतना ज्यादा हो गया आजकल, ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स और जो टेक एनेबल्ड फिनटेक ब्रोकर्स है, ये लोग बहुत गजब का काम कर रहे हैं, टेक एनेबल्ड ब्रोकर्स। हम लोग सेमी हैं, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी है हमारे पास भी, और हम लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट किया, तो हम लोग राजस्थान में आउटशाइन भी किए थे शुरू में, हम लोगों ने खूब उस टाइम पे ओडिन का सॉफ्टवेयर था, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके, डीलर IDs और डायट IDs बोलते हैं, सिंगल कोड IDs खूब डिस्ट्रीब्यूट की, उससे बिजनेस बढ़ा, बट बाद में उतना ग्रोथ नहीं ला पाए जितना दूसरे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स के आप एसोसिएट बन सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स बेचिए आप, डेट प्रोडक्ट्स बेचिए, बहुत है मतलब स्कोप। आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल है, आप कंसल्टेंट बनिए, 360 डिग्री प्लानिंग करके दीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाने की कोशिश कीजिए लोगों को, आपका अपने आप सेल्स आएगी, अपने आप कस्टमर्स बनेंगे, और एक्चुअल उसको सिखाना पड़ेगा और एक्चुअल में सर्विस दें, कहीं भी अपने कमीशन और ब्रोकरेज के लिए अननेसेसरीली सामने वाले का गला नहीं काटना। आप देखिए आपकी ग्रोथ कैसे आती है, वर्ड ऑफ माउथ, कि इसमें तो डिमांड बढ़ती जानी है ना, जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो बढ़ना है। तो आई एम वेरी बुलिश इन स्टॉक मार्केट्स एंड इन करियर्स इन स्टॉक मार्केट्स, ऑन करियर्स ऑन स्टॉक मार्केट्स। सर 2023 के अंदर मार्केट को आप किस तरीके से देखते हो, और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, मैं जनरली मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने में विश्वास नहीं करता, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में एक जो पावर आया है, जो रिटेल पावर है, वो दिखने लगा। आप देखिए, पिछले कई महीनों से FIIs बेच रहे थे, फिर भी इंडियन मार्केट सस्टेन कर रहे थे, दुनिया के बाकी मार्केट्स खराब कर रहे हैं, फिर भी इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल मनी जो आ रहा है, वो जो पावर है, तीसरी महाशक्ति बोल लीजिए आप, FIIs DIIs के बाद DIIs इन्वेस्ट करते जा रहे, क्योंकि रिटेलर्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, मतलब रिकॉर्ड नंबर्स में म्यूचुअल फंड्स में फोलियोज खुल रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, और वहां पे पैसा लग रहा है। तो ये पावर का तो देखिए बेनिफिट मिलेगा, एक ये, दूसरा जो फाइनेंशियलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, तीन, फिर जो अवेयरनेस बढ़ रही है, और जो लोग फॉर्मलाइज कर रहे हैं अपने मनी को, भाई यहाँ पे ला रहे हैं, और एक जो इक्विटी मार्केट्स पे पहले लोगों का एक रुझान था कि नहीं ये तो सट्टा है या यहाँ पैसा नहीं लगाना है, जो थॉट प्रोसेस में चेंजिंग आई है, वो सारी चीजें बहुत जबरदस्त काम कर रही है मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स तो अच्छे ही हैं, हो सकता है कोई एक क्वार्टर खराब हो, दो क्वार्टर खराब हो, तीसरे क्वार्टर में अच्छा हो जाए, फिर नीचे आ जाए,
पिछले साल भी इतना टफ मार्केट था, वर्ल्ड ओवर सारे मार्केट्स खराब थे, बट इंडियन मार्केट्स निफ्टी 4-5% ऊपर था, तो मुझे लगता है कि मार्केट्स अच्छे हैं। और मेरा तो अगेन फेवरेट स्टॉक्स सेक्टर और सेगमेंट है वो है मिड कैप स्मॉल कैप, वो जरूर चलने चाहिए ऐसा मेरा मानना है। उसमें भी कोई स्पेसिफिक सेक्टर जैसे? उसमें भी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो ऑटो एंसिलरीज अच्छा करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑटो इस साल भी जबरदस्त डिमांड में, आज भी आप माल खरीदने जाओ गाड़ी खरीदने जाओ तो आपको वेटिंग पीरियड 6-6 महीने की वेटिंग पीरियड, 3 महीने की वेटिंग पीरियड इस तरह, तो ऑटो इंसिलरीज अच्छा करेंगे। ईवीज का इतना बड़ा वो हो रहा है, तो जो ऑटो इंसिलरी कंपनीज है जो ईवीज को सप्लाई करने वाली है वो कंपनी अच्छी लग रही है। फिर एक ग्रीन एज अ थीम हैज कम अप, ग्रीन मतलब रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बोल लीजिए, ग्रीन पावर बोल लीजिए, हाइड्रोजन, ये जो एक क्लाइमेट चेंजेस वाले जो ये प्रोडक्ट, ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं। फिर मुझे ये हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम BFSI, आई एम वेरी बुलिश, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, क्योंकि एक तो क्या गंदगी पूरी साफ हो गई, एसेट क्वालिटी अच्छी हो गई, और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डिसबर्समेंट्स भी होंगे, और इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए, तो अब इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लगता कि यहां से बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, अब होगा तो नीचे ही आएंगे, तो ऑटोमेटिकली और अच्छा है, ठीक है। फिर तीसरा मुझे लगता है कि ये BFSI में इंश्योरेंस आता है, मतलब BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस इज अ सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है मुझे, बहुत जबरदस्त ग्रोथ लगती है वहां पे, बट ठीक है वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे साइड में लगते हैं, तो कोई भी करेक्शन आए तो वहां अपॉर्चुनिटीज है। IT मुझे लगता है कि इस साल का हो सकता है सेक्टर ही IT हो, लोग एकदम मतलब ये कॉन्ट्रारियन कॉल है, मैंने आज भी शायद मैंने अभी रिसेंटली TV पे दिया, मैं IT के ऊपर बहुत आज मतलब बोल के आया हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप IT कंपनीज विल डू वेरी वेल, इवन लार्ज कैप्स रिजल्ट्स आए हैं तो बहुत खराब नहीं आए, अच्छे ही आए हैं, जो लग रहा था कि खराब आएंगे, और प्लस BFSI सेगमेंट में जबरदस्त डिमांड है, इवन US की कंपनियां, क्योंकि देखिए ये अब ऐसा हो गया कि जैसे हमें रोज सुबह ब्रश करना तो टूथपेस्ट चाहिए, वैसे आपको कंपनी रन करनी है तो IT चाहिएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिएगा, दैट इज नॉट अ लग्जरी नाउ, डे टू डे लाइफ का हिस्सा है ये, नेसेसिटी अब करना ही पड़ेगा आपको, कोई भी बिजनेस बच नहीं सकता इससे, अछूता रह ही नहीं सकता कोई इंडिविजुअल, आप देखिए ना दिन भर अपन भी टेक्नोलॉजी में बैठे हैं ना, दिन भर व्हाट्सएप कर रहे, ये कर रहे, सोशल मीडिया कर रहे, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हर आदमी को टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि आगे IT विल डू वेल, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा 2-3 साल का नजरिया रखिए, तो IT एज अ सेक्टर विल डू वेल। फार्मा थोड़ा सा कर सकता है क्योंकि वहां पे अंडर परफॉर्मेंस बहुत बड़ा रहा है, तो वहां पे डाउनसाइड रिस्क नहीं है, सो थोड़ा सा सिलेक्टिवली फार्मा में जा सकते हैं, मैंने काफी स्टॉक्स वहां से भी रेकमेंड किए हैं, और अगर आप मुझे स्टॉक आइडियाज पूछोगे तो मैं कोई फार्मा स्टॉक भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी मुझे मैं अगर बोलूं ना, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है मार्केट में, मुझे हर सेक्टर अच्छा लगता है, हम सेक्टर एग्नोस्टिक, वैसे मुझे तो स्टॉक अच्छा लगना चाहिए भले ही वो कोई से भी सेक्टर का हो, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, बट एक जो चीज अच्छी नहीं लगती मैं वो बोलूंगा, वो है जो न्यू एज कंपनीज, उनको जो बिना बात का अनाप शनाप वैल्यूएशंस मिलते हैं, और वो वैल्यूएशंस क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पहले तो स्टार्टअप थे वो, उनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, पहले वो एंजल इन्वेस्टर आता है, फिर वो पी फंडिंग आती है, फिर वल्चर फंडिंग जो बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, तो ये सारी चीजें आने के बाद फिर वो लोग क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं, 3 साल बाद उनको एग्जिट देना होता है, वो एग्जिट के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं, फिर वहां पे वो लोग माल अपना OFS के थ्रू चेपते हैं, चेपना थोड़ी गलत वर्ड हो जाएगी, रिटेलर्स के ऊपर डंप जो भी है, तो मैं इस चीज के अगेंस्ट में बहुत दिनों से हूं, आपने अगर सुना हो कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे, मैं सबसे ज्यादा अगर बात करता हूं, तो एंटी न्यू एज, आई एम नॉट एंटी दोज कंपनीज और प्रमोटर्स, आई एम एंटी देयर वैल्यूएशंस, ये जो बिना बात की वैल्यूएशन है भाई, आप यहां जरा पुरानी कंपनी ITC जैसी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, PDO से काम कर रही है, उनके यहाँ पे वो वैल्यूएशन नहीं है, और यहाँ पे आप कल आके आप उनसे ऊपर हो जाते, प्रॉफिट भी नहीं बना रहे, और प्रॉफिट भी नहीं बना रहे, आप एक कंपनी है वो इंश्योरेंस बेचती है, इंश्योरेंस एजेंट ही तो है फाइनली, क्या है इंश्योरेंस एजेंट 300 करोड़ रुपया क्वार्टरली लूज कर रही है, और उसको भी आप वैल्यूएशन दे रहे हो उसके जैसे अनलिस्टेड और फंडेड कम से कम 10 और है, तो आपको कहीं ना कहीं, और इनमें कंपटीशन कितना है, Zomato अगर लिस्टेड है तो अनलिस्टेड भी तो 3 और है उसके जैसे, जो डिस्काउंट देगा ज्यादा उसका चल जाएगा, चल जाएगा, ये सब तो मतलब बेसिकली क्या है, न्यू वे हर चीज एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदना, हाई मल्टीपल है कोई बात नहीं है तो उसकी ग्रोथ आ रही होगी तो इसीलिए हाई मल्टीपल है, बट एक नॉर्मल वैल्यूएशन, और मतलब स्टार्टअप के लिए ठीक है वो, तो मैं बोलूंगा कि भाई उन स्टॉक्स को अगर लेना भी है कोई एक चमकेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा,
बट वो कौन सा चमकेगा वो पता नहीं, अभी नहीं बता सकते। तो ये अगर 10-12 जो ये फिनटेक्स और ये जो नए न्यू एज कंपनीज लिस्टेड है, मैं बोलता हूँ कि इन 10-12 को 5% दे दो आप, या 3% 4% दे दो, और उसमें से भी सब में इक्वली डिवाइड कर दो, देखते हैं फिर क्या लॉटरी लगती है, हीरो या जीरो टाइप हो जाए। बस तो मैं ये बोलता हूँ कि न्यू एज कंपनीज से और हायर वैल्यूएशन वाले जो बिना बात की वैल्यूएशन के जो स्टॉक्स है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट में कुछ स्मार्टर लोग घुसते हैं, मैं उनको ये नहीं बोला कि वो वुल्फ्स है, बट वो लोग घुसते हैं, उनके ब्रांड से पी मल्टीपल बन जाती है, ठीक है ना। अब जैसे अमिताभ बच्चन या कोई भी बड़ा स्टार कोई मूवी बनाता है, अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो मूवी में वो उनका प्रेजेंस कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, एक बार तो आ जाएंगे लोग मूवी देखने, सिनेमा थिएटर पे चले जाएंगे, बाद में वो वर्ड ऑफ माउथ बैड होगी और वो धीरे धीरे लोग जाना ही बंद कर देंगे, और वो एक बार कर लेगा दूसरी बार करेगा क्या वो? ऐसे हुए अपने कई बड़े बड़े जो बड़े स्टार होते हैं लोग करते हैं ऐसा, ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता फिर। तो मैं अगेन उसमें भी बहुत मतलब विश्वास करता हूँ कि न्यू एज कंपनीज में बहुत कॉशियस रहे, और मैं डिस्करेज करता हूँ लोगों को। तो मुझे सेक्टर सारे अच्छे लगते हैं, जो अच्छा नहीं लगता मैंने बोल दिया आपको। बाकी इंडिया स्टोरी पे बहुत भरोसा है, भारत की स्टोरी पे भरोसा है, रूरल इंडिया पे भरोसा है, गांव में जाओ तो पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इस शहर में तो ठीक है बिल्डिंगें बन रही है, ये बन रही है, मॉल्स बन रहे हैं, वहाँ पता चलता है। मैं जिस गांव मतलब छोटे शहर से हूँ नलबाड़ी, वहाँ पे मैं जब छोड़ के आया था 1991 में तो गिनती की 20 गाड़ियां भी नहीं होती थी शहर में, पूरे 25 गाड़ी 50 गाड़ी ठीक है जो भी है बहुत कम थी। और आज मैं जाता हूँ तो मतलब ऐसे खतरनाक, और वो भी मारुति बिकती है, मतलब वो मतलब जो भी है मतलब इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं वहां पे मैं देखता हूँ, और गजब की ग्रोथ है, गजब का मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब गजब की हुआ है। तो वो रूरल इंडिया कंजम्पशन मतलब वो है थी, यही कंजम्पशन देखकर हमने टाटा पे इन्वेस्ट किया था, कि टाटा में अचानक से काफ़ी गाड़ियाँ कोई खरीद ही नहीं रहा था टाटा में, और उसके बाद रास्ते पर धीरे धीरे, और स्पेशली आज से 2-3 साल पहले जो नए मॉडल्स टाटा में आए, उसके बाद रास्ते पर हमें टाटा दिखना शुरू हुआ, और वहाँ से दिखना शुरू हुआ कि हाँ टाटा में वापस से एक बार लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। टाटा तो ऐसे तो दिखता ही था, ट्रक तो दिखती थी उनकी, मगर वो ट्रक वाला और इंडिया का कंपोनेंट तो उनके पूरे बिजनेस में छोटा ही है ना। प्रॉब्लम ये हो गई कि वो टाटा मोटर्स नाम है, मगर मुझे लगता है कि वो जैगुआर मोटर्स और वो वाला मोटर्स नाम होना, बट जो भी एनीवेज वी कैन नॉट कमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल कंपनी, बट जो भी है प्रोपोर्शन बट ठीक है। एक मैं एंडिंग की तरफ जाने से पहले आना चाहूंगा, क्योंकि आप टीवी पे आते हैं और काफी लोग हमसे बोलते हैं कि टीवी पर जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम खरीद लेते हैं और उसके बाद डंप हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। शायद उसके पीछे का मुझे रीज़न भी ये लगता है, क्योंकि टीवी पर इतने सारे लोग देख रहे होते हैं एक साथ, शायद उसमें बाइंग के ऑर्डर्स आते हैं और उसकी वजह से पंप होते हैं। तो सही तरीका क्या है टीवी में जो भी स्टॉक आप मैं जब मतलब मुझे लगता है कि जैन साहब के जेम्स में तो भगवान की दया से ऐसा हुआ नहीं है, और एक दो बार ऐसा मुझे जब दिखा कि ऐसा होने लगा है, क्योंकि लोग कूद पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं और 20% का सर्किट नाम लेते ही लग जाता था, सब एक साथ बाय करते हैं सब लोग मतलब ऐसे। तो मैंने फिर लोगों को समझाया, मैं स्टॉक का नाम लेने के पहले और स्टॉक का नाम देने के बाद मैं बोलता था कि प्लीज आप ये स्टॉक को मत लीजिएगा आज, आज इसलिए नहीं लेना कि आज हर आदमी खरीदने के लिए तैयार है, सब टूट पड़ रहे हैं, रोटी को आप ठंडी करके पियो या चाय बहुत ज्यादा गर्म हो तो उसको नहीं पीना चाहिए, जीभ जल जाएगी आपकी, तो आप रोटी को ठंडी करके खाओ बहुत मजा आएगा कई बार। तो ये समझाया मैंने, फिर लोगों ने बिना बात का टूटना बंद किया स्टॉक पे। और अभी आजकल देखा होगा, पहले मैं जब बोलता था 2020 में तो कुछ तो मार्केट भी ऐसा था, हाँ। तो कुछ स्टॉक्स के नाम एकदम नए होते तो आदमी कूद पड़ते और चलता भी था, लोग भी नए थे, बट उसमें क्या होता है जिसकी स्पीड होती है वो तो कमा जाता है, और वो बेचारे जो मोबाइल पे कर रहे और धीरे धीरे देख रहे वो फंस जाते हैं, वो फंसते नहीं है, उनको उस दिन ऊपर भाव में घुस गए बट उनको लॉस नहीं होता, ओवरऑल लॉस नहीं होता पर एक दिन थोड़ा पैनिक होता है, बट वो पेन होता है उसके, वो तकलीफ से पैसा आ रहा है। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई जब मैंने नाम लिया, आप नाम को नोट कीजिए, हर 10 दिन में 15 दिन में मार्केट में करेक्शन आता है, हर 7 दिन में करेक्शन आता है, और या नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, वेट करो फॉर द राइट टाइम, अपॉर्चुन टाइम, करेक्शन आए उस दिन उस नाम को खोलो और उस दिन खरीदो। मैंने जिस भाव पे दिया उस भाव पे वापस से आना चाहिए स्टॉक, क्योंकि वो नॉइज था जो तेजी लाया। अब क्या होता है कि अब बोलो कि सर आप दो ही मत, अरे देंगे नहीं तो फिर लोगों को मिलेगा कैसे आइडिया, पता कैसे चलेगा। वी आर डूइंग अ सर्विस, कई लोग गलत काम कर रहे हैं, कई लोग सही काम कर रहे हैं, बट मुझे पता कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ, मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं आज कहीं घूमने भी जाता हूँ तो मैं जेम्स साहब के जेम्स मिस नहीं करता, मैं देता हूँ एवरीडे। मैंने रिकॉर्ड एक तरीके से बनाया कि मैंने एक सिंगल डे भी मिस नहीं किया पिछले 2.5 साल में।
जैन साहब के जेम्स में अगर मेरे कोई क्लोज रिलेटिव में तीए की बैठक थी तो 9:30 बजे थी बैठक, तो मैं दोपहर में 1:30 बजे दिया हूँ। मैं अगर फ्लाइट में था तो मैं आधा घंटा आगे पीछे करके देता हूँ। मैं बीच में घूमने गया था टर्की तो वहाँ से भी दिया, और आगे आने वाले दिनों में घूमने जा रहा हूँ बाहर वियतनाम तो वहाँ से भी दूंगा। सो मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये चीज़ देनी है, ये लोगों को एक है और मुझे विदाउट ब्रेक देनी। कई लोग ट्रोल भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी को अच्छा ही लग रहा है। कई लोग अभी इस वीडियो को भी देखेंगे तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं, कितना बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी कितनी बड़ाइयाँ कर रहे हैं। है तो है। अच्छा सर, कुछ जेम्स हमारे व्यूअर्स के लिए भी जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको? अभी तो देखिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, बजट सामने है तो कुछ बजट की थीम पे भी बात करेंगे हम। और उसमें मैं एक चीज़ बताऊँ तो मुझे ये एग्री इनपुट्स वाले स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। उसमें से एक स्टॉक मैंने GSFC काफ़ी बार रेकमेंड किया, मैंने चैनल्स पे भी और इधर उधर भी फेस्टिव पिक्स के तौर पे भी दिया, क्योंकि उसमें क्या GNFC की भी होल्डिंग है और दूसरी कई कंपनियों की होल्डिंग है तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है, अच्छी कंपनी है और अच्छा काम कर रही है फर्टिलाइजर्स में, तो GSFC कैन बी वन स्टॉक आराम से, मुझे लगता है कि 200 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। एक स्टॉक है पनामा पेट्रो, बेहतरीन कंपनी, अगेन रमेश दमानी जी इन्वेस्टेड है उसमें, मेरे गुरु, और प्लस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टॉक है और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल, सस्ते वैल्यूएशंस पे और हर पैमाने पे अच्छी कंपनी लगती है मुझे, उस स्टॉक को लेना चाहिए, पनामा पेट्रो। फिर एक मुझे लगता है कि DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज जो कि ड्रोन्स बना रही है, कुछ टेक्सटाइल्स में भी है, कुछ इनके शुगर और ये सब का भी काम है, तो ओवरऑल हो सकता है कि बाद में कोई डीमर्जर की स्टोरी आ जाए, यू नेवर नो, अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया, बट मुझे लगता है कि जब इतना होता है और कोई एक सेगमेंट बहुत अच्छा हो जाता है जहाँ पे सरकार की नजरें हैं तो मैनेजमेंट भी चाहेगी, अगर मैं होता उस कंपनी का मालिक तो मैं ऐसा करता, डीमर्ज तो डीमर्ज करके। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर जब भी होता तो उनको मैंने देखा राजस्थान में भी, जब यहाँ पे कुछ अभी इवेंट हुआ था तो वहाँ पे उनका वो देखा तो मुझे लगा कि यस, फिर मैंने स्टडी किया तो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ये शायद 72-74 रुपये वाला स्टॉक है, तो मैंने नाम बता दिया पैनामा पेट्रो, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, GSFC, एक स्टॉक में बोलूँगा CRM सिल्क मिल्स, बहुत बढ़िया स्टॉक है, उस पर ध्यान दे सकते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो IT स्टॉक्स हैं ये बहुत बढ़िया करेंगे, और फार्मा स्टॉक्स में इंडोको रेमेडीज, जो हम उनके पायरोडेंट, कीडोडेंट, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वो रैंक नंबर 1 है, सेंसोडेंट ये तो सुना ही होगा ना, वो इनकी है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, अगेन यू नो इस पे ध्यान दें। फिर IT में रह गया, तो IT में मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट सिस्टम्स है कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और जहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट एक्शन भी हुआ है वो अभी बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, वैल्यूएशंस बढ़िया, फंडामेंटल्स बढ़िया और हैंड्स चेंज हो रहे हैं कंपनी के और कुछ, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये IT स्टॉक्स, मिड कैप IT स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं, मैंने इवन सैक्सॉफ्ट दिया था, वो भी अच्छा चला हुआ है, नीचे आए तो उसको ले लें। फिर मैंने फार्मा में मैंने लिंकन फार्मा दिया था, वो भी चला, नीचे आए तो लेने की कोशिश करें। तो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, मैं तो देते जाऊँ, आप मतलब आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, बट एनीवेज मेरी राय यही रहेगी कि निवेशकों को कि स्टॉक्स के नाम लिखें और अपनी स्टडी भी करें, स्टडी करें उसको। और डिस्क्लेमर भी है कि हमने ये स्टॉक्स रेकमेंड किया और हो सकता है कि हमारे एसोसिएट्स और ये लोग होल्ड कर रहे हो, सो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि डिस्क्लेमर देना भी। और मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप अपनी स्टडी जरूर से करें, फंडामेंटल्स देखिए, टेक्निकल्स देखिए, समझें सूझबूझ के और अपने ब्रोकर से, कंसल्टेंट से भी एक बार एडवाइस ले लें। थैंक यू सो मच। सर कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस, कैसा लगा ये 30 सेकंड वाले रील के ज़माने में इतना एक लंबा बातचीत हमने की? तो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, मैंने शुरू में बोला कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लगा था कि जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि मैं क्या आगे हॉलीडे पे जाने वाला, तो मैं थोड़ा सा हॉलीडे मूड में आ गया था, बट जब बोलते हैं और जब आप मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैं वापस से वो डाउन द मेमोरी लेन जाता हूँ और मुझे फिर वो वापस से अंदर से दिल से आवाज निकलती है, वो दिमाग तो मैं बाद में यूज करता हूँ, पहले दिल से बात करता हूँ, तो बहुत मजा आया, इनफैक्ट इट वाज अमेजिंग। आप लोगों ने मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग एडिट मत कीजिएगा, पूरा नेचुरली चलाइएगा, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप लोग क्या है कि जनरली मैं यही समझता हूँ कि मूवी बनती है या हम लोग टीवी पे भी आते हैं, टीवी पे तो हालांकि हम लोग का पूरा लाइव रहता है, यहाँ तो चलिए हो सकता है रिकॉर्डिंग है तो आप लोग कुछ एडिट कर दे,
आई थिंक फ्लेयर में चलने दीजिए, मजा आएगा, लोग देखेंगे। बट ये जरूर है कि लोग बड़े वीडियोस को नहीं देखते, रील्स को ज्यादा देखते हैं, बट इन वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ओनली नॉट ओनली मार्केट्स, आपको जर्नी के बारे में पता चलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हमने बातचीत में कुछ भी नहीं छोड़ा, सर नजरिया बदल जाता है थोड़ा, नजरिया बदल, हमने टिप्स भी दे दी, हमने सेक्टर भी बता दिए, हमने मार्केट भी डिस्कस कर लिया, हमने मेरी जर्नी भी डिस्कस कर ली, हमने करियर्स भी डिस्कस कर लिया, माइंडसेट भी डिस्कस, हमने रिसर्च भी डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम यू हैव डिवाइस्ड, एंड बेस्ट पार्ट इज कि निकलवाना भी आना पड़ता है, तो आप लोग दोनों में ये चीज तो थी कि आप लोग दिखने में बड़े सीधे और छोटे और अभी नए नए लग रहे हो मुझे, बट वो धीरे धीरे जब वो क्वेश्चंस पूछे ना, आई मस्ट से दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेरी वेल। थैंक यू जब आप लोग मुझे पहली बार मिले और जब आप रेकी करने आए मेरे यहाँ, तो मुझे लगा कि पता नहीं यार कल कैसा होगा, बट इट इज एक्सीलेंट। मतलब फिर मैंने आप लोग से मिलने के बाद मैंने आपके कुछ पास्ट के वीडियोज भी देखे, तो यू गाइज आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।